ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं अपने शोरूम में गया था, क्योंकि जितनी भी कार्स और बाइक्स है वो सारी की सारी बिक चुकी है। तो वहां से हमने जितना भी पैसा कमाया था ना, उन सभी पैसों को लेकर मैं ड्राइवर के साथ निकल गया कुछ नई गाड़ियां खरीदने के लिए। बट तभी ना बीच रास्ते में मेरे को लेस्टर का कॉल आया। वो लेस्टर ने मुझे ये बोला कि जो स्टैचूज हमने डायमंड कैसीनो से चुराए थे ना डगन बॉस के लिए, अब वही स्टैचूज हमें डगन बॉस से चुराने अपने लिए। क्योंकि यार देखो, बाहर की कंट्री में ना एक एग्जीबिशन लगती है जिसमें ऑक्शंस भी होंगे, और इन ऑक्शंस में ये स्टैचू इतना ज़्यादा महंगा बिक सकता है कि समझ लो हम लोग एक बार को आधा लॉस सैंटोस खरीद लेंगे। अब यार देखो, अपने पास ना पैसों की कोई भी कमी नहीं थी, ना ही इस टाइम पर उतनी ज़रूरत थी। बट हाँ यार, अगर इतना ज़्यादा अमाउंट होना तो किसी भी बंदे को लालच आ जाए। तो इसीलिए मैंने लेस्टर को बोल दिया कि हाँ भाई, चाहे कुछ भी हो जाए ये स्टैचू में चुराना ही चुराना है। तो जैसा जैसा लेस्टर कहता गया वैसा वैसा हम लोग करते गए। बट एट द एंड क्या हुआ, जैसे हम लोग ने डगन बॉस के घर पर अटैक करा तो वहाँ पर जाकर जितने भी गार्ड्स थे सबको मार दिया। पर पता चला कि डगन बोस जो है स्टैचूज को बेचकर दूसरी कंट्री निकल चुका है। अब सीन ये तो ठीक था, अब मेरे को दुख इस बात का नहीं है कि डगन बोस चला गया है, दुख इस बात का था कि जो पैसा हमने शोरूम से कमाया था ना, उस सारा का सारा पैसा जिस गाड़ी में मैंने रखा था, लामार की लैम्बोर्गिनी उरुस, उस गाड़ी को डगन बोस के गार्ड ने ब्लास्ट कर दिया। अब गाड़ी तो गई गई लैम्बोर्गिनी उरुस, और साथ के साथ सारा का सारा पैसा भी चला गया। अभी फिलहाल चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर ये स्टैचू से हम लोग एक बार चोरी कर लेते हैं तो अपना सारा पैसा वसूल हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं आ चुका था सीधा सैंडी शेरिफ, क्योंकि यार देखो आपको पता ही होगा ट्रेवर के कितनी बुरी तरह बुलेट लग गई थी पैर में, वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। तो उसको ना मैं लॉस सैंटोस के हॉस्पिटल में तो ले जा नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं ना उन सबको पता है हम लोग यार बहुत बड़े गैंगस्टर हैं। यहाँ वालों को भी पता ऐसी बात नहीं है, बट ये ट्रेवर का गाँव है तो इसलिए यहाँ के जो डॉक्टर हैं जानते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कह रहे इसके पैर का ऑपरेशन होगा। अभी फिलहाल चलो कोई नहीं, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यार ये कह रहे हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लगभग 2 से 3 दिन में ठीक होगा, उसके बाद ये चल फिर पाएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल को यहीं पर छोड़ते हैं। बाकी तो यार अपनी लेस्टर से कॉल पे बात हो गई, वो कह रहा है कि जल्दी से जल्दी लॉस सैंटोस पहुंचो, म्यूजियम में जो चोरी करनी है उसका प्लान वो हमें बताएगा। बाकी तो यार देखो बिना फिलहाल यहां पर मैं एक काम करता हूं, पेमेंट कर देता हूं लेस्टर, पेमेंट नहीं मैं ट्रेवर के ना बैंक में जितने भी पैसे हैं ट्रांसफर कर देता हूं, सारे तो नहीं बट हां जितने का उसका ट्रीटमेंट होगा उतने तो हम लोग कर देते हैं यहां पर ट्रांसफर। यहां पर पहले चेक करता हूं कि मेरे पास कितने पैसे, तो हां $50 मिलियन कर देते हैं। बाकी भी मैं खुद देख लेता हूं मेरे पास कितने बचे हैं। तो ट्रांजैक्शन अपना कंप्लीट हो गया, बैलेंस में 113 मिलियन डॉलर बचे हैं मेरे पास। ओ भाई साहब, मेरे पास $800 मिलियन थे। बाकी यार देखो यहां पर ना हमने काफी सारा पैसा ना लेस्टर को भी दिया था, क्योंकि वेपन्स वगैरह मंगाने थे डायमंड कैसीनो की हाइस के लिए, उससे पहले भी कई बारी मैं पैसे उसे दे चुका हूं। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी फिलहाल ना जल्दी से हम लोग यहां से निकल लेते हैं। बाकी यार एक आध गाड़ी वगैरह मिल जाती तो बढ़िया रहता, क्योंकि लास्ट टाइम मैं जिस किसी बंदे के से ना मतलब हेल्प लेकर आया था तो वो बंदा अपनी गाड़ी लेकर यहां से निकल गया। फिलहाल सामने से एक बाइक तो आ रही है, अगर ये बाइक दे देगा तो बढ़िया रहेगा, वरना हम लोग उसको मार के तो ले लेंगे। एक सेकंड मैम जल्दी उतरो, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी जल्दी से निकाल, इसकी बाइक पर बैठकर हम लोग निकल लेते हैं सीधा अपने शोरूम के लिए, क्योंकि यार बैनी को मैंने मस्टैंग GT और साथ ही लैम्बोर्गिनी SVJ 63 मॉडिफाई होने के लिए दी थी। तो अभी जल्दी से वहाँ पर चलकर देखते हैं उसने मॉडिफाई करी या फिर नहीं करी, अगर होगी होगी तो बढ़िया है, हम लोग वही लेकर जाएंगे लॉस सैंटोस लेस्टर के पास, अदरवाइज यार ऐसे ही चलेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो बाकी यार यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है ना, ये रोड पर ना काफ़ी ज़्यादा टायर फिसल रहे हैं इस वाली गाड़ी के। चलो कोई नहीं, वैसे वाला रास्ता यहाँ से सीधा ही जाता है, ये मैंने काफी बड़ा शॉर्टकट पकड़ा है, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी नागासाकी ब्लेजर लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा अपने शोरूम पे, बस मुझे आगे वाले कट से इसको लेफ्ट मोड़ना है। बाकी तो आप लोग यहां पर देख पा रहे हो इस टाइम पर रोड पर इतना ज्यादा पानी बिखरा हुआ है, फिर भी मैं इसे एकदम पागलों की तरह भगा रहा हूं। मतलब कि यहां पर ना ये बिल्कुल भी ड्रिफ्ट मारने की सिचुएशन में नहीं है, अगर ब्रेक मारनी पड़ गई ना तो सीधी सी बात है स्लिप होगी और मैं अपनी गाड़ी से पलट कर नीचे गिर जाऊंगा और कीचड़ में मुंह चला जाएगा। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम्हारा भाई फुल रिस्क उठा के चलाता है। तो भी जल्दी से मैं पहुंचूंगा अपने शोरूम में। बाकी यार देखो यहाँ पर पूरा खाली, कितना ज्यादा बेकार लग रहा है, मतलब कि यार एक भी गाड़ी यहाँ पर नहीं खड़ी हुई है। बाकी हाँ यार, अभी ना फिलहाल मैंने जिमी को कॉल करके बोल दिया था, उसे मैंने 3-4 गाड़ियों की ना अपनी जगह बता दिया, मेरी लैम्बोर्गिनी सियान कहाँ पर आई सब मतलब मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। तो मैंने उसको बोल दिया कि भैया ये इस जगह पर मैंने गाड़ी छोड़ दी थी, वहाँ जाकर अपना ले आई हो। तो कह रहा चलो ठीक है कर दूंगा। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं सीधा बैनी के पास, ये लोग अपना यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। तो भी जल्दी से मैं बैनी से बात करता हूँ, देखते हैं इसने गाड़ियाँ मॉडिफाई करी या फिर
नहीं। तो चलो गाइस, हमेशा की तरह बेनी ने आज भी जो है गाड़ियां मॉडिफाई कर दी है। बाकी यार ये कह रहा है कि जो तुम्हारी लैम्बोर्गिनी एसवीजी 63 है ना, वो तो पहले से ही पूरी की पूरी मॉडिफाई पड़ी हुई थी, तो इसलिए उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो वो तो पूरी की पूरी मॉडिफाई हो चुकी है। बट हाँ, जो अपनी मस्टैंग जीटी थी ना, उसको उसने मॉडिफाई करा है, पर अभी उसके अंदर और भी काम होना बाकी है। तो इसलिए कह रहा है कि 2-3 दिन के लिए और छोड़ दो, उसको एकदम खतरनाक बना देगा। तो चलो कोई नहीं, मैंने बोल दिया ठीक है। अभी फिलहाल देखते हैं कि आखिरकार इसने दोनों की दोनों गाड़ियां जो है कैसे कर दिया है। अभी फिलहाल यहाँ पर ना अपने जो शोरूम है, मतलब यार इसके अंदर ना भी काफी सारा हमें सामान लेकर आना है ताकि पूरा का पूरा भर जाए। लास्ट टाइम तो हम लोग थोड़ी बहुत गाड़ियां लेकर आए थे, फिर जब तक बाइक लाए ना तब तक आधी गाड़ियां बिक चुकी थी। मैं चाह रहा हूं कि हर टाइम ना अपना पूरा शोरूम भरे रहे। बाकी यार वो देखो सामने की तरफ में अपनी लैम्बोर्गिनी एसवीजी 63। वैसे इसके अंदर ना मुझे ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को मिल नहीं रहे, बस नीचे की तरफ में यहाँ पर जो मतलब कि इसके चेंजेस थे वो थोड़ी बहुत चेंज हो गए हैं, और साथ ही जो स्कर्ट्स थी वो भी चेंज हो गई है। बाकी यार गाड़ी इसने कही था पहले से पूरी ओके थी। बाकी भी देखते हैं कि अभी फिलहाल जो अपनी मस्टैंग ड्यूटी है ना, वो कैसी लग रही है। वैसे अगर देखा जाए ना, ये तो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब कि इसका रूफ, स्कर्ट्स, चेजेस सब कुछ पूरा चेंज हो गया है। और इसका कलर तो भाई अब वाला जो है ना वो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो कोई नहीं, भी फिलहाल मैं नहीं कह रहा इसे करेगा पूरा मॉडिफाई अभी ना, जब तक के लिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते। फटाफट से अपनी गाड़ी लेकर मैं निकल लेता हूँ सीधा लॉस सैंटोस के लिए, सीधा लेस्टर के पास। अभी देखते हैं वो हमें क्या प्लान बताता है। बाकी यार इस गाड़ी को ना मुझे बहुत ज्यादा संभाल के चलाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है और ऊपर से ना रोड जो है ना पूरे के पूरे भीगे पड़े हैं। मतलब कि अगर मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा ना, तो सीधी सी बात है ब्रेक दूंगा, ये स्लिप हो जाएगी पूरी की पूरी और एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी क्रैश हो जाएगी। तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बट कोई नहीं, एक बार ना चलो ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर रोड खाली है, उसके बाद हाईवे है, तो यहाँ पर ही रिस्क ले लेते हैं। बाद में नहीं रिस्क लेंगे, मान लो मैं रेस देता हूँ और सामने कोई गाड़ी आ जाए तो ब्रेक अगर मैं, तो ओ भाई साहब इसके टायर तो काफी ज्यादा बढ़िया है। गाइस आप लोगों ने नोटिस करा होगा ये गाड़ी बिल्कुल भी ड्रिफ्ट नहीं हुई, मतलब हल्की से भी स्लिप नहीं हो रही है। देखो इतना ज्यादा पानी होने के बावजूद भी स्लिप नहीं हो रही। अभी जैसे मान लो मैंने पूरी रेस दे दी, मान लो सामने एक गाड़ी आ गई और ये देखो हल्की सी, हाँ यहाँ पर हल्की सी स्लिप हुई है, बट यार फिर भी काफ़ी ज़्यादा गजब की गाड़ी है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जाने के बाद भी ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती। ये देखो ओ आराम से नहीं 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 भाई, इसे अभी आराम से लेकर चलते हैं भाई लॉस सैंटोस। तो ओके गाइस, यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, बिना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी एसवीजी 63 भगाता लॉस सैंटोस के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका हूँ। और गाइस अभी ना मुझे यहाँ पर बिग माफिया के भाई का कॉल आया था, और गाइस वो कह रहा है कि वो ना लॉस सैंटोस आया हुआ है, तो जब भी फ्री हो उससे मिलने आ जाना। तो अभी ना फिलहाल वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा उससे मिलने जाने का, क्योंकि आज वैसे भी अपने पास टाइम नहीं है। बट हाँ यार वो कह रहा है कि उसने ना 2 नए शोरूम और खोल दिए, मतलब कि उससे पहले अंडर वाटर माफिया के साथ उसने मिलके एक और शोरूम खोला था लग्जरी ऑटोस, और अभी 2 और खोल दिए हैं। तो चलो यार अभी चलकर देखना तो पड़ेगा ही आखिरकार कौन से शोरूम खोले हैं। बट हाँ यार ये चीज़ तो मैंने देख ली कि जो बिग माफिया का भाई है ना, वो इस टाइम पर शोरूम का ही बिजनेस करना चाह रहा है अपने लॉस सैंटोस में, यानी वो चाह रहा है कि बस डीलरशिप जो हो वो सारी की सारी उसके हाथ में ही हो। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, जो अपना शोरूम है ना भाई वो नेक्स्ट लेवल ही है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी चलते हैं लेस्टर के पास, फिर देखते हैं उससे मिलना है या फिर नहीं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर पहुंचने वाला हूं सीधा लेस्टर के न्यू सीक्रेट बेस पर। बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और यहां से एकदम सीधे भगा लेना है। बाकी यार देखो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तब भी यहां पर इतना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है, पूछो मत। तो चलो गाइस यार फाइनली हम लोग यहां पर पहुंच चुके, सॉरी। बाकी यार यहां पर अभी ना ये लोग बहुत ही बुरी तरह ठुकते हुए बचे हैं, और अभी इनके चक्कर में ना मैं ठुक जाता है दोरा तुम्हारी ऐसी जैसी बीच बाजार में यहां पर डांस कर रहे हो, बारिश हो रही है, चुपचाप तुम्हें घर में रहना चाहिए कि नहीं। बेलास गैंग के बंदे गाइस अभी ना बहुत ज्यादा डरने लग गया मेरे से। ओ तेरी, मुझे लग रहा था मारेंगे नहीं, तू इधर आ तेरी ऐसी जैसी, तू एक्शन कर जा रहा है पीछे से और अभी तक मारा नहीं है। ओ भाई साहब ये लग रहा है मेरे को, इनको लग रहा है कि ये लोग मेरे को मार देंगे, इधर आ तेरी भैंस की डांग। तो गाइस अभी ना फिलहाल मेरे को लग रहा है कि इन लोग को ना आज कुछ ज्यादा ही पिटने का बना है। मुझे लग रहा था कि ये लोग भी ना लॉस गैंग के बंदों की तरह डर के भाग जाएंगे, लेकिन इनको समझ में नहीं आनी कि ऐसे अभी चल तेरी ऐसी की तैसी यहाँ पर बेमतलब में। मैं अच्छी खासी ड्राइव करके मैं सोचा था यहाँ पर लाके खड़ी कर दूंगा, लेकिन ये लोग अपना डांस करने में इतना मस्त है कि मेरे को नजर ही नहीं आए। तो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी का गेट तो बंद कर दिया, अभी जल्दी से ना मैं चलता हूँ सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पर। अब यार देखो जो लेस्टर का सीक्रेट बेस है ना, ये बेलास गैंग वालों के अड्डे में ही है। इनमें से किसी एक बंदे का घर था जिसके नीचे लेस्टर ने अपना बेसमेंट बना लिया। अब ये जो घर है मेरे को अच्छे से याद नहीं है कौन से वाला है, मैं जब भी आया हूँ तो दूसरी वाली साइड से आया हूँ। तो हाँ गाइस अभी फाइनली मेरे को वो घर मिल गया, तो यहाँ से पहले जंप करके जाना है, और ये आ गया लेस्टर का नया वाला सीक्रेट बेस।
अगर मेरे को सामने से आना हो ना तो मैं सीधा भी आ जाऊंगा तो आ जाऊंगा। चलो ठीक है, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं सीधा नीचे और देखते हैं अभी फिलहाल क्या सीन है, लेस्टर यहाँ पर है या फिर नहीं है। वैसे सीधी सी बात है यहीं पर होगा, उसने मेरे को कॉल करके यहीं पर आने के लिए बोला था। बाकी तो यार यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो ये जगह है जहाँ से लेस्टर ना अंदर बैठ के बाहर का देख सकता है, पर बाहर वाला अंदर का एरिया नहीं देख पाएगा। तो शायद से लेस्टर ने गेट खोल दिया होगा, खोल कर देखता हूँ। ओके तो फाइनली यहाँ पर गेट खुल चुका है, जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं। तो गाइस यार देखो ये वाला जो गेट है ना ये तो पूरा का पूरा लॉक्ड हो चुका है और गलती से मैंने किक मार के इसका शीशा तोड़ दिया। भाई लेस्टर मेरा मुंह तोड़ देगा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना यहाँ पर लेफ्ट में से ड्रिलिंग का साउंड किस चीज का आ रहा है, एक सेकंड। ओके तो यहाँ पर लेस्टर ने कुछ लोग बुला रखे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो कि ये सारा का सारा ड्रिलिंग कर रहे हैं यहाँ पर। शायद से ना लेस्टर कोई अपनी टनल वगैरह बनवा रहा है। बाकी यार अगर ये वाला गेट लॉक था मुझे लात नहीं मारनी चाहिए थी, वो गेट का पूरा शीशा टूट गया और अपना अंदर का दिखने लग गया है। बाकी एक बार यहाँ पर चलकर देखता हूँ। ओके तो लेस्टर भाई साहब जी अपना यहाँ पर बैठकर आराम से बियर वियर पी रहे हैं। तो चलो इससे बात करता हूँ, देखता हूँ क्या प्लान है। तो ठीक है सभी ना फिलहाल यहाँ पर बैठकर मैंने लेस्टर से आराम से बात कर लिया है। बाकी यार देखो लेस्टर कह रहा है कि ये जो काम है ना बहुत ज्यादा आसान है। करेक्ट 3:30 बजे यहाँ से एक वैन निकलेगी जिसकी लोकेशन हमें लेस्टर दे देगा। तो उस वैन के अंदर ना कुछ रिसर्चर्स हैं, हमें ना उनको मार देना है या फिर उन्हें हटाकर उनकी जगह लेकर हमें उस म्यूजियम के अंदर एंटर होना है, क्योंकि आज के दिन ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलने वाली है। वो जाकर जितनी भी चीजें वहां पर आई है ना उन सभी को वेरीफाई करेंगे, रियल है या फिर फेक है। अगर हम लोग वहां पर वेरीफाई करने के लिए चले जाएंगे तो हम उस चीज को उठाकर वहां से निकल लेंगे, अपना काम बहुत आसान नहीं से हो जाएगा। लेकिन मुश्किल काम ही है कि वो जो वैन है उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलो गाइस यार अभी ना फिलहाल जल्दी से हम लोग निकल लेते हैं सीधा बिग माफिया के भाई के पास, क्योंकि काफी देर से वो धड़ा इधर मेरे को कॉल करे जा रहा है। बाकी लेस्टर कह रहा है कि हाँ अपने साथ वेपन्स लेना बिल्कुल मत भूलना, वैसे आज का जो काम है ना उसमें गोलियां चलाने की बिल्कुल जरूरत भी नहीं है और जरूरत पड़ने पर भी नहीं चलाना। बट हाँ यार अगर कुछ ज्यादा ही इमरजेंसी पड़ जाए, अगर अपनी जान दांव पे लग जाए तब गोली चला सकते हैं। अभी फिलहाल कोई नहीं, जल्दी से मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, हमें फटाफट से उसके पास जाना है। बाकी यार देखो कितनी ज्यादा अच्छी बात है कि फाइनली पूरे के पूरे 5 घंटे बाद जाकर ये बारिश रुक गई है, मतलब कि यार कल की रात से जो बारिश आना हो जा रही है। बाकी यहां पर यार ये कैसे घर बना रखे हैं, मतलब पीछे से खुला हुआ आगे से वॉल है। बाकी तो यार मैं पता नहीं किसके घर से जाता हूं और किसके घर से निकलता हूं, गलती मेरी है। बाकी हां वैसे मैंने एक गलती कर दी, आज मैं पीछे वाले रास्ते से आया था और मैं इधर की तरफ में निकल गया, बट कोई नहीं अभी जल्दी से हम लोग यहां से बाहर निकलते हैं। वैसे यार देखो बिना फिलहाल मेरे को थोड़ा बहुत डर इस बात का लग रहा है कि बाहर की तरफ में मैंने कुछ बेलास गैंग के बंदों को मारा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनके और भी बंदे यहां से बाहर आ जाए और बेमतलब की लड़ाई हो जाए। फिलहाल ये आया तो है बाहर यहाँ पर बियर पीने के लिए, चल बैठ साइड हो यहाँ से रास्ता दे मेरे को। बाकी ओ एक सेकंड मेरी लंबोगनी, ओके तो ये रही, मेरे को लग रहा था मैं सोचूं लंबोगनी एसवीजे 63 कहाँ पर चली गई। बाकी ये बंदा मेरे को फूल बोल रहा है, जरा तेरी ऐसे की तैसी, अभी देखने का इसके क्या पड़ गए, निकल यहाँ से, मेरे को फूल बोलेगा। बाकी इसके गाइस काफी सारे बंदे, ओए ओए गोलियां नहीं चला, ओ भाई साहब वहाँ पर तो भाई से गोलियां ही चलाने लग गए यार ये लोग। एक मिनट रुक जाओ, अभी ना फिलहाल इन लोग को ना पहले साइड करना पड़ेगा, कुछ कुछ को तो मैं मारूंगा ही, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। ओ नहीं नहीं सॉरी 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 भाई, यहाँ पर इन लोगों ने मेरे ऊपर अपना डॉग छोड़ दिया था, उसने मेरे को फूल बोला, मैं इनसे कुछ पंगे नहीं लेना चाह रहा था, उल्टा मैं तो यहाँ से चुपचाप निकलना चाह रहा था। बेटा मेरी गाड़ी पर एक भी बुलेट नहीं लगनी चाहिए, एक सेकंड। अबे यार एक तो डॉग मरा नहीं और मैं इसे मारना भी नहीं चाहता, तो चलो चलो अभी जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। ओ ओ ओ आराम से आराम से, कोई और रास्ता भी नहीं क्या भाई, पूरी गाड़ी चूरा कर दोगे क्या? ओके यार ये बेलास गैंग के बंदे ना मेरे से बेमतलब ही पिटेंगे, मैं सही बता रहा हूँ। बट कोई नहीं अभी ना अपने पास टाइम नहीं है, अभी जल्दी से इस गाड़ी को लेकर मैं चलता हूँ। कहाँ ले जाऊँगा यार, पूरी पूरी गाड़ी नाश मार डाली, पहले मैं सोच रहा था वॉश करवा लेंगे काम हो जाएगा, बट अभी तो फिलहाल इन्होंने शीशे ही अलग कर डाले। चलो कोई नहीं अभी वॉश करवाता हूँ, बाद में से पूरा रिपेयर करवाएंगे बैनी से। अभी जल्दी से इस गाड़ी को मैं लेकर चलता हूँ सीधा बिग माफिया के भाई के पास। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर अपनी लैम्बोर्गिनी एसयूवी देख पा रहे हो, छोटा सा शॉर्टकट मारने के चक्कर में अपनी गाड़ी को मैं कंस्ट्रक्शन एरिया में लेकर चला गया था और वहां पर एक जगह पर इतना ज्यादा मट था और मैंने तेज भगाई, मेरे को पता ही नहीं चला और गाड़ी की पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है भाई, सत्यानाश हो गया है। मेरे को तो लग रहा है कि वॉश कराऊंगा ना तब भी ये जाकर साफ नहीं होगी। और गाइस अभी ना फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब क्या देखो जिस गैराज के अंदर मैं अपनी गोल्ड लिमोजिन पार्क करता था ना, वो गैराज की मैंने काफी टाइम से पेमेंट नहीं करी थी और उसी गैराज को खरीद के बिग माफिया के भाई ने वहां पर शोरूम खोल लिया। तो चलो कोई नहीं अभी फिलहाल जल्दी से वहां से चलते हैं, गलती मेरी है मैंने वहां पर पेमेंट नहीं करी थी और फाइनली मैं यहां पर पहुंच चुका हूं। बाकी तो और आप लोग यहां पर बाहर की तरफ में देख पा रहे हो, पार्किंग में इतनी ज्यादा गाड़ियां खड़ी हुई है पूछो मत, और सामने की तरफ में यहां पर टोटल 5 रेंज रोवर है। ओके तो बिग माफिया ने भाई अब ना पहले क्या करता था, जितनी भी खतरनाक बुलेट प्रूफ व्हीकल्स होती थी ना उन सबके अंदर ही आता था, बट अभी ना फिलहाल ये रेंज रोवर में आया हुआ और वो भी 5-5 लेकर। तो चलो कोई नहीं फिलहाल अपनी लैम्बोर्गिनी हम लोग यहीं पर खड़े करते हैं और फटाफट से अंदर चल के उससे मिलते हैं और देखते हैं आखिरकार क्या सीन है। तो शायद से वो बेसिकली अपना शोरूम दिखाने के लिए मेरे को यहां
पर बुला रहा है। तो चलो गाइस यार, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं और चल के मिलते हैं बिग माफे के भाई से। वैसे तो यार आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये 5 के 5 रेंजर रोवर है, एकदम पूरी की पूरी नई है, मतलब 4 ब्लैक कलर की है और एक व्हाइट कलर की है, जिसके अंदर बिग माफे का भाई आया है। तो चलो यार अभी जल्दी से अंदर चलते हैं, उससे मिलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। वैसे यार देखो, इतने कम टाइम में इसने जो शोरूम है ना, काफी ज्यादा बढ़िया बना लिया है। और वो देखो यार बीच में ना, ये जो कार है गाइस काफी ज्यादा तगड़ी है, मतलब यार यहाँ पर सारी की सारी रेसिंग कार्स और बाइक्स ही है। बाकी बिग माफिया का भाई अंदर ऑफिस में बैठा है, ओके तो वो बाहर ही बैठा हुआ है। तो चलो यार अभी जल्दी से इससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अंडरवाटर माफिया भी यहाँ पर है। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और गाइस यार ये कह रहा है कि ना पहले ये वाला शोरूम अच्छे से देख लो, उसके बाद ये हमें एक और नए शोरूम में लेकर जाने वाला है। मतलब कि यार बिग माफिया के भाई ने ना टोटल लॉस सैंटोस में 3 शोरूम खोलनी है। पहला शोरूम था इसका लग्जरी ऑटोस, जो कि मैंने आपको दिखाया था, जिसके अंदर एक से एक लग्जरी कार थी। और ये वाला जो शोरूम है ये स्पेशली रेसिंग कार्स और बाइक्स के लिए, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक रेसिंग कार्स खड़ी हुई है और भी आते रहेगी। और वो देखो पीछे जो छोटी सी कार आप देख पा रहे हो ना, स्पेशली जिसे मतलब कि उसके ऊपर लगा रखा है स्टेज, आप कह सकते हो जो गोल गोल घूम रहा है, ये कार इतनी ज्यादा आसानी से नहीं मिलती है, बहुत ज्यादा रेयर कार है। अब पता नहीं इसके पास कहां से आ गई, लिबर्टी सिटी में तो मेरे को ये नहीं दिखी थी, बट हाँ जो भी है बहुत सही कार है। और बाकी यहां पर इस तरफ में इनका एक गैराज है जहां से गाड़ी वाड़ी अंदर लानी हो तो आ जाए, बाकी एक से एक बाइक्स भी है। और इस तरफ में यहां पर एक ऑफिस लगा हुआ है। चलो ठीक है, छोटा शोरूम है पर काफी ज्यादा बढ़िया और बहुत ज्यादा बढ़िया जगह पे है। तो अभी जल्दी से चलकर उससे बात करते हैं। वो कह रहा था ये वाला शोरूम देख लो, फिर उसके बाद चलेंगे नए वाले शोरूम में, और उसके बाद ना एक इंपॉर्टेंट डील करनी है। तो चलो अभी इससे बात करते हैं फिर चलते हैं। तो ओके गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर इन दोनों लोग से बात हो गई है और गाइस यार ये कह रहे हैं कि जल्दी से बाहर चलो और अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल लो, ये अभी ना गाइस हमें अपने नए वाले शोरूम में लेकर जाने वाला है। वैसे यार देखो मेरे को पता है क्या लग रहा है कि अंडरवाटर माफिया जो है ना इस टाइम पर बिग माफिया के भाई का राइट हैंड हो चुका है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर इनके गार्ड्स काफी ज्यादा बढ़िया है, पहले से इनके लिए गेट खोल दिया। अभी जल्दी से मैं चलकर अपनी लैम्बोर्गिनी एसयूवी निकाल लेता हूँ। बाकी यार देखो कहाँ पर मैं पहले अपनी यहाँ पर गाड़ी पार्क करता था, अभी शायद से इन लोगों ने मेरी गाड़ी मेरे घर पर भी भिजवा दी होगी। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से अपनी लैम्बोर्गिनी यहाँ पर बाहर करते हैं और इन लोग के आने का इंतजार करते हैं। शायद से भी अंडरवाटर माफिया अंदर ही रह गया है। तो चलो कोई नहीं, पहले वो आ जाएगा फिर सारे बैठेंगे फिर चलेंगे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर अंडरवाटर माफिया भी जो है अपनी गाड़ी में आकर बैठ चुका है। बाकी यार देखो कितना ज्यादा बढ़िया लगेगा, 5-5 रेंज रोवर अपने साथ-साथ चलने वाली है। तो चलो यार अभी ना फिलहाल यहां पर इन लोगों ने अपनी गाड़ी मोड़ ली है, जल्दी से मैं भी अपनी गाड़ी मोड़ लेता हूं। वैसे यार देखो मैं तो पहले ही निकल लेता पर अभी ना मुझे रास्ता नहीं मालूम है किधर से जाना है। अरे सर गाड़ी कहां से ले जा रहे हो, एक बंदा वहां से गाड़ी ले जा रहा है। तो अभी ना फिलहाल मेन जो बिग माफिया के भाई की गाड़ी है वो तो यहां से जा रही है। आखिरकार शोरूम है किधर भाई, पहली जो गाड़ी गई है वो उधर से चली गई, लेकिन जिस गाड़ी में बिग माफिया का भाई है वो गाड़ी इधर से गई है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से इन्हीं के पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं आखिरकार ये लोग किधर से जाने वाले हैं। और कितना ज्यादा सही लग रहा है यार, यहाँ से 4-5 नहीं है ये, 4 हो गई, एक पता नहीं कौन से रास्ते से गई है। बाकी जो भी है काफी ज्यादा तगड़ी लग रही है चारों की चारों। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से सीधा सीधा चलते हैं, पता नहीं कहाँ पर इनका शोरूम है और ये लोग कौन से रास्ते से जा रहे हैं। तो ओके गाइस, अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बो लेकर सीधा बिग माफिया के भाई के नए वाले शोरूम में पहुंचने वाला हूँ। बस मुझे आगे वाले कट से लेफ्ट लेना है और मैं समझ गया हूँ कि आखिरकार इसने कौन सा शोरूम खरीदा है। मैंने भी काफी टाइम पहले सोचा था ये वाला शोरूम खरीदने के लिए। तो ये जो वैपिड है ना, वैपिड ऑफ लॉस सैंटोस, ये है बिग माफिया के भाई का नया वाला शोरूम, जिसके अंदर अभी गाड़ियां नहीं आई है। बट हाँ यार बिग माफिया के भाई ने काफी सारी गाड़ियां तो मंगा लिया है, अब बस वो इसके अंदर ले जाके रखनी है। तो चलो अभी फाइनली ये लोग भी यहाँ पर पहुंच गए, अभी एक ही गाड़ी आई है और बाकी गाड़ियां ओके, तो फाइनली यहाँ पर बाकी गाड़ियां भी पीछे से आ गई है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल के लिए मैं भी अपनी लैम्बो को यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूँ। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इन लोगों ने भी अपनी सारी की सारी गाड़ियां बीच मेन रोड में पार्क कर दिया है। तो चलो यार अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं सीधा शोरूम के। इतने ज्यादा गार्ड्स लेकर अपने साथ चलता है ना भाई, क्या ही बताऊं। वैसे यार ये जो शोरूम है ना सच्ची में काफी ज्यादा बढ़िया तो नहीं है, बट हाँ बहुत ज्यादा सही जगह पे है। तो भी जल्दी से यहाँ पर मैं एक बार अंदर चलकर ना देख लेता हूँ आखिरकार शोरूम कैसा है, फिर उसके बाद हम लोग बिग माफिया के भाई से काम की बात करेंगे। वैसे यार देखो अगर देखा जाए तो बिग माफिया के भाई ने अभी तक जितने भी शोरूम खोले हैं ना, वो सारे के सारे कोई ज्यादा बड़े तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्लोर के होते हैं जिसमें कुछ ज्यादा बड़ा गैराज भी नहीं होता। बट हाँ ये अच्छी बात है कि इसके जितने भी शोरूम है ना, वो सारे के सारे लॉस सैंटोस की मेन सिटी में है, अंदर से काफी ज्यादा बढ़िया भी बने हुए एकदम लग्जरी। तो इसीलिए यार इनकी ना वैल्यू बहुत ज्यादा है, अपने शोरूम से भी ज्यादा है। अभी फिलहाल उसने कहा था कि अंदर आकर मेरे से बात कर लेना, बाकी वो कहां चला गया मेरे को नजर नहीं आ रहा, शायद से वो यहां से राइट गया था। बट राइट साइड में है क्या, ओके तो राइट साइड में बैक में जो रास्ता निकल रहा है वो है, मतलब कि अगर कोई गाड़ी वाड़ी अंदर लानी हो तो पहले हमें शोरूम के पीछे जाना है, वहां से गाड़ी अंदर आ जाएगी। मतलब यार एकदम परफेक्ट बने हुए हैं और जो पार्क
पार्किंग वगैरह है वो एकदम पीछे दे रखी है और बाकी गाड़ियां आ गई है, बस अंदर ला ला के खड़ी करनी है। तो अब वो देखो वो बैठा बिग माफिया का भाई और ये इसने गन किस लिए निकाला कि कुछ गड़बड़ है क्या? अभी जल्दी से इससे बात करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और मुझे लग ही रहा था कि कुछ इस टाइप का सीन है। अभी ना फिलहाल मैं इससे कुछ आगे बात नहीं करने वाला क्योंकि इस टाइम ना जो टाइम है काफी ज्यादा हो चुका है। लेस्टर ने मुझे बोला था कि करेक्ट 3 बजे वहां पर पहुंच जाना और अभी 2 बज चुके हैं तो मैं पहले निकलूंगा तभी टाइम पर पहुंचूंगा। तो यार देखो बिग माफिया का भाई ये कह रहा है कि जो तुम्हारा वाला शोरूम है ना तुम इन तीनों शोरूम के बदले हमें अपना वाला शोरूम दे दो। तो गाइस इस चीज को लेकर ना मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं क्योंकि जो अपना शोरूम है ना वो इतना ज्यादा बड़ा है कि अभी तक किसी का भी शोरूम इतना बड़ा नहीं खुला, ना ही लॉस सैंटोस में, ना ही पलीटो में, ना ही पूरे सैन एंड्रियास में। तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं क्योंकि यार ये उस शोरूम के बदले अपने 3 शोरूम दे रहा है। लग्जरी ऑटोज हो गया और जो अभी देखा था वो वाला, मतलब यार 3 शोरूम के ना, मतलब क्या देखो जो इसके 3 शोरूम है उसके अंदर एक खास बात है, एक लग्जरी कार्स का है और एक ही रेसिंग कार्स का है और जो तीसरा वाला है इसके अंदर नॉर्मल एसयूवी जो भी नॉर्मल कार्स होती है वो सारी बिकेगी। तो गाइस मुझे क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट में जाकर जरूर बताना। तो चलो अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं निकल लेता हूँ सीधा किसी एमिनेशन की शॉप पर, कुछ वेपन्स मेरे को खरीद लेने चाहिए क्योंकि वो जो वैन आएगी ना उसको मेरे को चुपचाप से चुराना है, मतलब चुराना नहीं है, उसके अंदर जो मेन बंदे होंगे ना रिसर्चर्स उन्हें मेरे को पकड़ कर उनके कपड़े पहनकर अंदर घुसना है। तो वेपन वगैरह की शायद से नाइफ वगैरह की जरूरत पड़ जाएगी साइलेंट किलिंग करने के लिए, तो भी जल्दी से हम लोग एम्युनेशन की शॉप पर चल लेते हैं। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बो लेकर सीधा एम्युनेशन की शॉप पर पहुंचने वाला हूं, बस मुझे आगे वाले कट से राइट लेना है और मैं थोड़ा सा आगे आ गया। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, भी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर पार्क कर देते हैं और फटाफट से चलते हैं सीधा एम्युनेशन की शॉप के अंदर और बढ़िया बढ़िया सी ना एक आध गन्स भी खरीद लेंगे। लेकिन मेरे को भी ना मेन नाइफ चाहिए क्योंकि यार वहां पर जो भी मेरे को काम करना है एकदम साइलेंटली किल करना है। तो भी जल्दी से हम लोग अंदर चलते हैं, बट अभी ना मेरे को ये चीज समझ नहीं आ रही कि यहां पर डू नॉट क्रॉस लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट का ये बैरियर क्यों लगा हुआ है और यहाँ पर जो गेट है उसको भी पूरा लॉक कर रखा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या सीन है। अभी फिलहाल ये जो स्टोर है बंद हो रखा है। चलो कोई नहीं, काम करते हैं जल्दी से दूसरे वाले स्टोर पर चलते हैं। और ये जो स्टोर है ना बंद भी पुलिस वालों ने करा है, ऐसा नहीं है कि जिस बंदे का स्टोर है वो आ जाए नहीं छुट्टी मार ली। चलो कोई नहीं, अभी एक स्टोर हो रहा है जल्दी से वहां पर चलते हैं फटाफट से। अरे भाई भाई आराम से पहले साइड हट जाओ, बीच रोड में खड़े होकर पता नहीं क्या कर रहे हैं। वैसे बोलो फुटपाथ पे बीच रोड में गाड़ी मैं चला रहा हूँ, इधर आते एरिया से इधर से, वैसे ही गाड़ी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है और अभी भी भाई सब उसकी तेरी गाड़ी, वो ट्रक वाला भी ठोक गया भाई उसको भी मार, उसने तो पूरा गेट ही निकाल दिया, मैंने तो कुछ करा भी नहीं था। अबे अभी भी मार रहा है, इसको पता ही नहीं चला इसकी गाड़ी का गेट भी निकल चुका है। फिलहाल यहाँ पर मार मार इसके सब भूत तो मैंने बना दिया है, इसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा था। बाकी ये क्या हो गया, इसका ये पीछे पॉकेट है या फिर वहाँ से नहीं पॉकेट है दोनों साइड है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलते हैं। भाई पूरा गेट निकाल गया वो ट्रक वाला, लेकिन ये मेरे से लड़ रहा है। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से निकलते हैं और थोड़ी आराम से चलाऊंगा वरना बैनी को कुछ ज्यादा काम करना पड़ जाएगा इस गाड़ी पे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बो लेकर लॉस सैंटोस के सबसे बड़ी एम्युनिशन शॉप पर पहुंच चुका हूं, बस अपनी गाड़ी को ना यहीं पर साइड में पार्क कर देता हूं और अभी जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से वेपन्स हमें खरीद लेने चाहिए। वैसे यार देखो सामने की तरफ में मेरे को लग रहा है कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं, विजल उसकी वैन सामने खड़ी हुई है और बस वाले को देखो कैसे टक्कर मार के उस पे चला गया। बाकी यार एक सेकंड, ये वाली एम्युनिशन की शॉप भी बंद हो रखी है। तो यार मुझे लग ही रहा था जो वेजल न्यूज वाले हैं ना इनकी वैन देखकर मुझे थोड़ा बहुत शक हुआ था, और जिसकी शॉप है उसको तो यहां पर पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया। भाई यहां कुछ ज्यादा गलत सीन है। अभी ना गाइस जल्दी से यहां से मैं निकल लेता हूं कहीं ऐसा ना हो ये जो पुलिस वाले हैं ना मेरे ऊपर ही शक करने लग जाए। बाकी यार मेरे को पता है क्या लग रहा है कि इस टाइम पर जो लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट है ना वो जितनी भी एम्युनिशन शॉप है ना उन सभी को बंद करवा रहा है। अब पता नहीं ये इलीगल थी या फिर लीगल थी, बट जो भी है हाँ भाई अब ये बंद हो गई है। अभी ना मेरे को लग रहा है कि वेपन्स लेने के लिए मुझे लॉस सैंटोस से बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं अभी नहीं जाने वाला क्योंकि यार देखो मेरे को बस एक मेन नाइफ लेना था तगड़ा सा। चलो कोई नहीं, जो पुराने वाला नाइफ है अभी उसी से काम चलाएंगे। अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर साइड में लगा लेता हूं क्योंकि लेस्टर ने मेरे को बोला था कि जैसे ही तुम्हारा काम हो जाए ना फटाफट से मेरे को कॉल करना, और अभी 2:30 बज चुके हैं, 3 बजे तक उसने मेरे को कॉल करने के लिए कहा था, तो अभी उसको कॉल कर देते हैं और पूछता हूं कि आखिरकार क्या करना है और वो जो मेरे को रिसर्चर्स हैं वो कहां पर मिलने वाले हैं। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पे बात हो गई है और गाइस लेस्टर कह रहा है कि वो जो रिसर्चर्स हैं ना वो दूसरी कंट्री से आ रहे हैं, अभी वो एयरपोर्ट पर पहुंचे नहीं है, बट जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे उसके बाद उनके साथ सिक्योरिटी रहेगी और वो पूरे रास्ते एयरपोर्ट से लेकर सीधा म्यूजियम तक उनके साथ रहने वाली है। तो लेस्टर कह रहा है कि बीच रास्ते में ना ये काम करना मुश्किल है, मतलब क्या देखो हम ये तो कर लेंगे उनकी गाड़ी वाड़ी चुरा लेंगे उनके कपड़े बदल लेंगे, बट हाँ ये सीन है कि अगर उनकी सिक्योरिटी को पता चल गया ना तो सीधी सी बात है वो यहाँ पर म्यूजियम की सिक्योरिटी को अलर्ट कर देगी और अपना जो पूरा प्लान है वो
चौपट हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जो भी काम है हमें काफी ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो इसलिए लेस्टर कह रहा है कि जो म्यूजियम की पार्किंग है ना, तुम वहां पर जाकर बैठ जाओ, क्योंकि हो सकता है वो थोड़ी सी ना सही जगह हो, क्योंकि वहां पर आएंगे ना जब वो लोग, तो सीधी सी बात है वो जो सिक्योरिटी वाले बंदे वो अंदर नहीं जाएंगे, वो बस बाहर ही रुक जाएंगे। तो हमें वहां पर सारा का सारा काम करना है, सिक्योरिटी वाले को भी मारना है और अपने जो कपड़े हैं वो भी बदल लेने हैं उन रिसर्चर्स के साथ। वैसे यार देखो अभी ना सीन तो ये है कि मेरे पास कुछ भी वेपन्स वगैरह है नहीं, तो मैं मारूंगा किससे, गन चलाऊंगा वैसे भी काम खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, सबसे पहले ना फ्रैंकलिन के घर पर चलता हूँ, ठीक है, क्या पता उसके पास मतलब कि कोई नाइफ वगैरह पड़ा हो और उसको भी अपने साथ ही ले आएंगे। तो चलो अभी जल्दी चलते हैं सीधा फ्रैंकलिन के घर पर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बो लेकर सीधा फ्रैंकलिन के घर पर पहुंच चुका हूँ। तो जल्दी से भी अपनी गाड़ी यहीं पर पार्क कर देते हैं। बट यार यहाँ पर तो ऑलरेडी काफी सारी गाड़ियां आ रखी हैं और इनमें से दो वैन ना लॉस्ट गैंग के बंदों की है, और ये जो बाकी दो कार्स है ना ये पर्पल वाली पक्का बेलास गैंग की है, और ये जो ग्रीन वाली है ना ये पक्का फैमिलीज गैंग की है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल ना जल्दी से घर के अंदर चलते हैं। बाकी यार यहाँ पर ये देखो, मेरे को पता है ऐसा क्या लग रहा है कि इन सभी गैंग के बंदों ने ना फ्रैंकलिन के ऊपर अटैक करा है। तो यहाँ पर काफी सारे बंदे भी काफी सारे मतलब लेटे पड़े हैं, मरे पड़े हैं, पता नहीं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं फ्रैंकलिन के घर के अंदर आ चुका हूँ। अभी ना जल्दी से देखते हैं कि आखिरकार फ्रैंकलिन कहाँ पर है। बीच रास्ते में मैंने उसे कॉल भी करा था पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया, इसीलिए मुझे स्पेशली उसके घर पर आना पड़ा। बाकी तो यार यहाँ पर फिलहाल मेरे को लेफ्ट साइड में वो भी नजर नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाओ यार, क्या पता वो अपना नीचे स्विमिंग पूल में नहा रहा हो। तो एक बार पहले मैं स्विमिंग पूल में भी देख लेता हूँ। और भाई साहब लो, वो यहाँ पर भी नहीं है। एक सेकेंड यार, वो कहाँ पर होगा मेरे को सोचने दो, पहले मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा वो कहाँ पर हो सकता है। एक काम करता हूँ, पहले ना मैं आगे चलता हूँ, हो सकता है कि वो नीचे वाले फ्लोर पर अपना बेडरूम में आराम से फुल मजे में सो रहा हो और हम लोग यहाँ पर बेमतलब में टेंशन लेकर घूम रहे हैं। एक सेकेंड यार, तो घर भी नहीं है इसका, मतलब एकदम अलग ही टाइप का बना हुआ है। तो अभी जल्दी से यहाँ पर मैं चलता हूँ सीधा नीचे वाले फ्लोर पर, और ये आ गया हूँ मैं सीधा उसके बेडरूम में। तो भी जल्दी से एंटर होते हैं बेडरूम के अंदर। बाकी यार वो यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर चला गया भाई ये बंदा। एक सेकंड रुक जाओ, ना ही कॉल उठा रहा है ना ही अपने घर में नजर आ रहा है। एक बारी बाथरूम में चेक कर लेते हैं, क्या पता बाथरूम में। ओके, तो बाथरूम में भी नहीं है, गेट खुला हुआ था, अगर मान लो होता तो भी उसके साथ एक्सपोज हो जाता। तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर आगे वाले रूम में चलते। ओके, तो यहाँ से म्यूजिक बजने का साउंड आ रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पर ये वाले रूम में तो मैं इसके पहली बार आया हूँ, बट यहाँ पर भी यार वो नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, ये म्यूजिक ना मेरे को लग रहा है इस वाले रूम के अंदर से बज रहा है। एक मिनट अभी ना अंदर चलते आराम से। ओ भाई साहब, यहाँ पर तो सारी की सारी गैंग के बंदे बैठे हुए हैं, और वो देखो भाई साहब फ्रैंकलिन यहाँ पर अपना पार्टी कर रहा है फुल मजे में, वो भी ग्रीन गैंग के बंदे, ब्लास गैंग के बंदे और लॉस्ट गैंग के बंदे। तो यार लेस्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि जो फ्रैंकलिन है ना ये वापस से ये नकली गैंग्स ज्वाइन करने में लगा पड़ा है। तो चलो यार कोई नहीं, अभी फिलहाल इसको जाने दो। इसको लग रहा है कि जो तीनों गैंग है ना वो आपस में मिल गई है, और इस टाइम पर ना लॉस सैंटोस सबसे ज्यादा पावरफुल यही गैंग होने वाली है। बट ऐसा नहीं है, अपने साथ जब तक लेस्टर है तो हमसे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। अभी फ्रैंकलिन को यहीं पर छोड़ो, मैं इसको अपने साथ नहीं ले जाने, क्योंकि सीधी सी बात है वो मेरे साथ अभी जाएगा भी नहीं। अभी जल्दी से यहां पर हम लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, अपने नहीं फ्रैंकलिन के घर से बाहर निकलते हैं, और फटाफट से यार यहां से तो पहले निकल लेते हैं। अब ये जो काम है ना गाइस मुझे अकेले ही करना पड़ेगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, वही सही है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी लेता हूं, और तीन भी बजने वाले होंगे मेरे हिसाब से, अभी 10-15 मिनट रह गए हैं। फटाफट से उस म्यूजियम में चलता हूं, उस म्यूजियम की पार्किंग में चलकर ना बैठते हैं पहले से ही, क्योंकि कुछ पता नहीं है कि यार उनकी गाड़ी कब आने वाली है, और जब भी आएगी बढ़िया रहेगा। अपने पास लैम्बोर्गिनी एसवीजी है, आराम से भगाता हुआ ले जाऊंगा इसे। तो ओके गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी लैम्बो लेकर सीधा उस म्यूजियम में पहुंचने वाला हूं, बस मुझे आगे वाले कट से अपनी गाड़ी को राइट मोड़ना है। और ये देखो गाइस फाइनली यहां पर मैं पहुंच चुका हूं। अब यार देखो लेस्टर ने तो मुझे बोला था कि मुझे ना पार्किंग में जाकर उनका वेट करना है, क्योंकि वो लोग एयरपोर्ट से आ रहे हैं काफी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ, तो वो सीधा पार्किंग में ही आने वाले हैं। बाकी यार देखो ये है इसका मेन गेट, और मेन गेट पे तो काफी ज्यादा चेकिंग हो रही है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी यहां पर मैं मोड़ लेता हूं, और फटाफट से लेकर चलता हूं सीधा पार्किंग में। बाकी यार यहां ये जो पार्किंग है काफी ज्यादा छोटी। ओके, तो लेफ्ट साइड में है मेन एंट्रेंस पार्किंग से। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी में आगे लेकर चलता हूँ। बाकी यार देखो दिक्कत की बात ये है कि यहाँ पर ना दूसरी कंट्री की पुलिस के काफी ज्यादा ट्रक आ रखे हैं, जिसके साथ यार काफी सारे वहां के सोल्जर्स भी आए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से अंदर जाना ना गाइस इस टाइम पर खतरे से खाली नहीं है। मतलब अंदर तो मैं तब जाऊंगा जब वो लोग यहाँ पर पहुंच जाएंगे, और उनको मार के मैं उनमें से किसी एक बंदे की ड्रेस पहन लूंगा। बट सीधी सी बात है, अगर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी रहेगी और वो लोग यहाँ पर आएंगे तो भाई ड्रेस लेने का कोई भी चांस नहीं है उन्हें मार के। उन्हें मारने की बात दूर है, उन्हें छूने तक की मतलब इतना ज्यादा मुश्किल होने वाला है, मैं क्या बताऊं। अभी फिलहाल ना जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर मैं रोक लेता हूँ। वैसे देखो अगर मान लो अगर वो अपनी बस से आते हैं ना, तो 80% चांस है वो इस वाले रास्ते से आएंगे, और अगर वो इस वाले रास्ते से आएंगे ना तो मैं क्या करूंगा, अपनी लैम्बो यहीं खड़ा रखता हूँ, जैसे वो लोग आएंगे ऐसे रोक दूंगा, उसकी बात ना बस हाईजैक करनी पड़ेगी। मतलब कोई लंबा रास्ता नहीं है, बस एक बंदे को मारकर उसकी ड्रेस बदलनी है, बट हाँ जो बाकी टीम है वो गड़बड़ ना कर दे। चलो कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखो लेस्टर ने मुझे बोला था कि वो लोग करेक्ट 3 बजे अपनी बस लेकर म्यूजियम में
पहुंच जाएंगे सिक्योरिटी के साथ, बट अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। वो टाइम हो चुका है 3:30, मतलब आधा घंटा मैंने और वेट कर लिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यार वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए हो सीधा, मतलब डायरेक्ट गेट से एंट्री कर लिए हो और बाहर खड़े होकर मैं वेट कर रहा हूँ? वैसे यार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर आते भी ना तो अपनी बस को उन्हें यहीं से वापस लेकर जाना पड़ता। अभी जल्दी से ना एक बार मैं ऊपर चलकर देख लेता हूँ, और मैं बार बार इधर चक्कर लगा रहा हूँ, जो मिलिट्री वाले हैं ना मेरे ऊपर शक ना करने लग जाए वरना अपना काम खराब हो जाएगा। बाकी यार देखो इधर मेरे को कोई भी नजर नहीं आ रहा, अगर वो लोग आते ना तो बस आ जाती। बाकी काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ गई है, बट गाड़ियाँ तो इन नॉर्मल बंदों की भी होती है, तो मतलब पब्लिक पार्किंग है एक टाइप से। तो अभी फिलहाल मेरे को समझ नहीं आ रहा वो लोग आए हैं या फिर नहीं आए। सामने की तरफ में एक बस है, बट ये तो यार एक नॉर्मल बस है यहाँ पर, मतलब नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट है लॉस सैंटोस का। एक काम करता हूँ, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर लगाता हूँ, एक बार ना सीधा लेस्टर को कॉल करते हैं और पूछते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर लेस्टर से कॉल पर बात हो गई है, और गाइस यार लेस्टर जो बात मेरे को अब बता रहे हैं ना वो बात इसको कम से कम ना आधे घंटे पहले बतानी चाहिए थी। मतलब कि लेस्टर कह रहा है कि जो उनकी फ्लाइट है वो थोड़ी सी लेट हो गई है और अभी तक ना वो लोग एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके ना वहां पर जाओ। बाकी एक सेकंड मैं यही देख रहा था इस बंदे को दिक्कत क्या हुई है, एक मिनट रुक जा तेरी ऐसी की तैसी मैं करता हूं यहां पर इसको। उतनी गलती से मैंने अपनी गाड़ी के शीशे पे मुक्का मार दिया, शिट यार अभी पहले ना इसका मैं मुंह तोड़ूंगा इधर। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहां पर 4 मुक्के मार के मैंने इस बंदे का भूत बना दिया, बेमतलब में मेरे से पंगे ले रहा था। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी में बैठकर मैं निकलता हूं सीधा एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि लेस्टर कह रहा है कि वो लोग अभी तक पहुंचे नहीं है और ना इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी उनके साथ नहीं है, सारी की सारी सिक्योरिटी म्यूजियम में बैठी है। तो वहां पर जाओ और जैसे तुम्हें मौका मिले ना किसी एक रिसर्चर की ड्रेस पहन लो, बस अपना काम हो जाएगा, और उनके साथ बस में बैठ के म्यूजियम पहुंच जाओ बस, और कुछ भी नहीं। तो चलो यार अभी जो काम है ना वैसे अपने लिए और भी ज्यादा आसान हो गया है, तो भी जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट, जैसे उनकी फ्लाइट आएगी फिर हम लोग अपना आगे काम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो गाइस यार फाइनली यहां पर मैं अपनी लैम्बो लेकर सीधा पहुंचने वाला हूं लॉस सैंटोस एयरपोर्ट के अंदर। अभी ये देखो गाइस यार यहां पर ये जो गार्ड है ना, मतलब यार सुपर कार देखते ही जल्दी से गेट खोल देते हैं, और अगर अभी मैं कुछ और गाड़ी लेकर आ जाऊं तो इतनी जल्दी गेट नहीं खोलते। और यार अभी ना देखो सामने की तरफ में एक फ्लाइट आई है, तो मुझे लग रहा है यही फ्लाइट उन लोग की हो सकती है, बट हाँ मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मैं काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना गाइस यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ, उस तरफ में ही खड़ा कर देते हैं, अगर वहाँ से वो लोग उतरते हैं तो अपना काम हो जाएगा। लेस्टर ने मेरे पे मोबाइल पर उन लोग की फोटो भेज दिया है, मतलब कि वो लोग कुछ वैसे दिखते हैं, उनके ड्रेस की फोटो भेज दिया है। अभी ना जल्दी से एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी को ना यहीं पर साइड में लगा देते हैं, ये फ्लाइट अभी उस वाले हैंगर के पास रुकेगी या फिर उसके अंदर जाएगी ये मुझे नहीं मालूम। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहीं पर खड़ा करते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यार देखो इतनी देर से मैं इस वाली फ्लाइट के बाहर खड़े होकर वेट कर रहा हूँ कि इसके अंदर से कुछ तो पैसेंजर्स बाहर निकले, मतलब इतनी बड़ी फ्लाइट है इसके अंदर से अभी तक सिर्फ 5 पैसेंजर्स बाहर आए हैं, और उनमें से वो बंदा कोई भी नहीं है जिससे मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। बाकी तो यार अभी ना फिलहाल जो सामने वाला हैंगर है ना उसके अंदर अभी ना एक फ्लाइट और आई है, तो चलो यार अभी ना जल्दी से एक बार मैं उसके अंदर चलकर देखता हूँ, क्या पता वो वाला जो प्लेन हो उसके अंदर वो लोग बैठ कर आए हों। तो अभी जल्दी से मैं अपनी गाड़ी को ना यहाँ पर आगे लेकर चलता हूँ। वैसे यार अक्सर ना इस वाले हैंगर के अंदर कोई भी प्लेन नहीं आता है, बिग माफिया का भाई जब आता था और जब बिग माफिया आता था तो वो आते थे इस वाले हैंगर में, बट अभी एक बार चलकर देखते हैं इससे अंदर वो है या फिर नहीं है। बाकी हाँ यार इधर प्लेन तो आकर खड़ा हो रखा है, बट ये वो बंदे हैं या फिर नहीं है वो मुझे पता करना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी लेकर अंदर तो आ चुका हूँ, और सामने की तरफ में यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो तो गाइस जिन बंदों की मैं तलाश कर रहा था ना तो वो फाइनली इसी वाली फ्लाइट से आए हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट होता ना तो अपना काम खराब हो जाता। अभी ना गाइस जल्दी से एक काम करता हूँ अपनी गाड़ी ना मैं यहीं पर पहले साइड में पार्क करता हूँ, ये लोग अपना ना फुल मजे में अंदर जा रहे हैं। बेसिकली ये लोग ना दूसरी कंट्री से आए हैं यहाँ पर रिसर्च करने के लिए। अभी फिलहाल यहाँ पर जो भी मेरे पास नाइफ है वो मैं निकाल लेता हूँ, मेरे पास नाइफ था कहाँ चला गया यार मेरे को याद भी नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल ना यहाँ पर इन लोग को अंदर जाने दो। वैसे यार बाहर निकलने का रास्ता पीछे से है, ये लोग आगे से कहाँ से जा रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी ना फिलहाल यहाँ पर इन लोग का तो मैं मुंह तोड़ूंगा, और इस भाई साहब को यहाँ पर प्यास लग गया, पानी पी लो पानी पी लो, निकल यहाँ से, पानी पीने आया हुआ है यहाँ पर बेचारे की मैंने बोतल भी गिरा दी, और ये पानी नहीं है तो बियर पी रहा था इधर, अब तो एक और खाएगा, निकल यहाँ से। चलो गाइस जैसा मैं चाहता था सेम टू सेम वैसा ही हुआ। बाकी यार ये वही लोग हैं ना, वैसे एक बार मैंने ड्रेस कंफर्म करे तो हाँ गाइस ड्रेस तो यही है, बस ये थोड़ी बहुत गंदी ना हो जाए। बाकी यार बाकी लोग यहाँ से आगे चले गए मुझे नजर नहीं आ रहे। अभी जल्दी से ना गाइस पहले कपड़े बदल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए। तो ओके गाइस यार जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो अभी ना फिलहाल मैंने इनकी पूरी की पूरी आउटफिट जो है उतार के पहन ली है, और उस टाइम पर मैं भी इन्हीं की टीम का एक रिसर्चर लग रहा हूँ। बाकी यार देखो इस बंदे की जो बॉडी है ना वो उठाकर मैंने थोड़ी सी साइड में कर दिया है, अब मुझे मालूम है आता जाता बंदा उसे नोटिस कर लेगा, बट फिर
फिर भी जब वो यहाँ से आएगा जाएगा तो ना, तो इतनी जल्दी मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पर कोई आता भी होगा। बाकी यार वो लोग ना यहीं कहीं पर गए थे, अब वो यहाँ से ऊपर गए हैं या फिर यहाँ से आगे गए हैं वो मुझे पता करना पड़ेगा। वैसे सीधी सी बात है, उन्हें बाहर जाना है तो एग्जिट पर ही जाएंगे। अभी जल्दी से ना मैं यहाँ से एक बार चुपचाप से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छे से मालूम नहीं है वो लोग कहाँ पर गए होंगे। ये वाला गेट खोलते हैं। ओके गाइस, तो फाइनली यहाँ पर मैं बाहर आ चुका हूँ। बस मेरा इतनी देर से वेट कर रही थी, और यहाँ पर दो दो पुलिस वालों के टैंक है। अभी जल्दी से हम लोग बस के अंदर बैठते हैं और फटाफट चलते हैं म्यूजियम। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं भी अपना आकर इस वाली बस के अंदर बैठ चुका हूँ। बाकी यार देखो, वो जो आगे वाला टैंक है ना वो तो यहाँ से निकल पड़ा है, और अपनी जो बस है गाइस यार वो भी अभी चल गई है। अब डिपेंड करता है अपने बस ड्राइवर के ऊपर कि वो हमें कब तक वहाँ पर ले जाता है। बाकी तो अभी ना फिलहाल बस चलाना इतनी भी आसान बात नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा बड़ा व्हीकल है तो इसको चलाना थोड़ा बहुत मुश्किल रहता है। बाकी यार जैसा कि लेस्टर ने कहा था, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी साथ में आने वाली है। और यहाँ पर देखो आगे भी एक टैंक चल रहा है, उसके अंदर बहुत तगड़ी गन लगी हुई है। बाकी सही में पुलिस वाला ये ना देख रहे हो, मतलब उधर अच्छी खासी एग्जिट है और ये किधर से बाहर निकाल रहा है, और बस वाले ने भी इधर से ही बाहर निकाल दी भाई, मतलब कि दोनों सेम टू सेम के हैं। तो चलो कोई नहीं, वैसे तो बस वाला वहीं पर जाएगा जहाँ पर वो लोग लेकर जाएंगे। बाकी पीछे जो टैंक आ रहा था वो पता नहीं कहाँ पर रह गया, बट कोई नहीं यार, ये मिलिट्री वाले हैं, इनका हिसाब थोड़ा सा अलग रहता है। आएगा टैंक देख लेना, पता चला आगे वाले रास्ते पर हमें मिल जाए। बाकी यार यहाँ पर भी फिलहाल मैं तो अपना चुपचाप से अंदर बैठा हुआ हूँ, मेरे बगल में जो बंदा बैठा है ना वो मेरे को पहचान नहीं पा रहा, तो मेरे को कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल ये लोग अपनी बस को इतना ज़्यादा धीरे चलाते हुए ले जा रहे हैं ना, मतलब क्या समझ लो जो रास्ता 10 मिनट का है ना, अभी उसी रास्ते में पूरा पूरा आधा घंटा लगने वाला है। बाकी यार देखो, ये अपनी पूरी की पूरी टीम जो कि अपने साथ रिसर्च करने के लिए चल रही है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे बंदे बैठे हुए हैं। बाकी यार यहाँ पर ये गंजा मेरे साथ में बैठा हुआ है, और ये जो ड्राइवर है ना ये कोई नॉर्मल ड्राइवर नहीं है, ये एक पुलिस ऑफिसर है जो कि अपनी गाड़ी चला रहा है, और ये अपनी कंट्री का ही है। बट आगे जो टैंक चल रहा है और जो पीछे टैंक चल रहा है ये दूसरी कंट्री के हैं। बाकी ये टैंक बहुत ज़्यादा पीछे रह गया था, बट अभी ना फिलहाल ये बहुत ज़्यादा तेज स्पीड में भगा कर साथ ही आ गया है। तो चलो कोई नहीं, म्यूजियम ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, थोड़ा सा रास्ता और है। तो चलो गाइस यार, फाइनली हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं सीधा उस म्यूजियम में। बाकी यार देखो, बिना फिलहाल मेरे को एक छोटी सी दिक्कत लग रही है। पहले यार लेस्टर ने मुझे बोला था कि ये लोग ना अपना पार्किंग से जाने वाले हैं, बट अभी ना ये लोग मेरे हिसाब से मेन गेट से एंट्री करेंगे। और अब इसमें दिक्कत की बात यह है कि मेन गेट पे ना काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, और जहाँ पर मेटल डिटेक्टर भी है। अभी फिलहाल गाड़ी साइड लगाएगा या बीच में ही रोक देगा? तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल यहाँ पर अपनी बस तो इन्होंने साइड में लगा दी, और साथ ही जो दोनों टैंक थे ना ये भी इन्होंने साइड में लगा दिए हैं ताकि जो रोड है वो ब्लॉक ना हो। बट अभी ना दिक्कत की बात यह है कि जिस गेट से अपनी एंट्री होनी है गाइस वहाँ पर मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, और काफ़ी सारे सिक्योरिटी गार्ड चेकिंग भी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि मुझे अपनी गन जो है ना यहीं पर रख के जानी पड़े। अभी फिलहाल मैं एक बारी गाड़ी से उतर लेता हूँ, तुम अपना उतरो चाहे ना उतरो, मुझे किसी का डर नहीं मारा। अभी फिलहाल वैसे परमिशन नहीं थी, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, आगे नहीं जा रहा। तो चलो गाइस सर, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मेरे को देखम देखी सारे के सारे बंदे जो है अपना बाहर आने लग गए हैं। तो चलो यार, अभी ना जल्दी से हम लोग यहाँ पर चलते हैं सीधा अंदर के लिए। बाकी यार अभी ना फिलहाल यहाँ पर हमें सबसे पहले चेकिंग करवानी पड़ेगी, इसलिए स्पेशली जो मेरी शॉटगन थी ना वो मैंने बस में ही रख दी है। बाकी यार अभी ना फिलहाल मेरे पास कोई भी मेटल डिटेक्टर नहीं है, तो अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपनी चेकिंग करवा लेते हैं। तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर अलार्म बीप नहीं हुआ है, अभी अच्छे से हमारी पहले चेकिंग करेगा, उसके बाद ही हम लोग अंदर जा पाएंगे। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहाँ पर चेकिंग हो गई है, और उसने मेरे को आगे बढ़ने की परमिशन दे दिया है। ये कह रहा है कि बस यहीं पर खड़े रहो, ये जो गेट है ना बस ये एक ही बार खुलेगा, जब सबकी चेकिंग हो जाएगी उसके बाद ये लोग गेट खोलेंगे और दोबारा से इसे परमानेंटली बंद कर देंगे हमेशा की तरह। तो भी फिलहाल यहाँ पर सबकी चेकिंग तो हो रही है। बाकी ये बंदा इतना ज्यादा डर क्यों रहा है, इसकी शक्ल देख के मेरे कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो कोई नहीं, अभी यहीं पर वेट करते हैं। तो गाइस यार देखो, बिना फिलहाल हम लोग यहाँ पर खड़े होकर वेट कर रहे हैं। ये बंदा यहाँ पर आकर खड़ा तो हो गया है, पर पता नहीं क्या कर रहा है, गेट को खोल ही नहीं रहा। इसको ना पता नहीं इसके अंदर कुछ नज़र आ रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, और इसने पासवर्ड डाल दिया है। तो चलो शायद से अभी ये जो गेट है खुल जाएगा। तो चलो गाइस यार, अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं अपना फुल एकदम म्यूजियम के अंदर आ चुका हूँ। बाकी यार ये देखो, इन अंकल को पता नहीं कितना ज़्यादा जोश चढ़ गया है। वैसे यार मुझे लग रहा था अंदर ज़्यादा कुछ सीन नहीं होगा, बट अंदर भी उतनी ही ज़्यादा सिक्योरिटी है जितनी बाहर थी। अभी फिलहाल अपनी टीम तो यहाँ पर अपना आते ही काम पर लग चुकी है, बट मुझे नहीं पता हम लोग यहाँ पर किस काम के लिए आए हैं। वैसे यहाँ रिसर्च टीम से हैं, तो हमें बस यहाँ पर कुछ ना कुछ चेक करना पड़ेगा। और यहाँ पर पहले से एक टीम और आ चुकी है जो कि यहाँ पर अपना चेकिंग कर रही है। फिलहाल सामने की तरफ में एक बहुत ही बड़ा डायनासोर का स्केलेटन है मेरे आगे, इसका क्या नाम है भाई? एक सेकंड रुक जा भाई, ये तू ही पढ़ ले जा, मैं नहीं पढ़ रहा भाई। आराम से फुल बंदा मजे में पढ़ने में लगा हुआ है, बट हाँ यार मुझे वैसे पढ़ना भी नहीं है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है। मुझे पता करना है सबसे पहले कि जो स्टैचूज डगन पोज बेच कर गया यहाँ वो किधर रखे हुए हैं, क्योंकि यार देखो आज ना जो रिसर्च टीम इसीलिए आई है ताकि सारा सामान चेक करके ना हम लोग ये पता कर ले कि ये सामान ओरिजिनल है या फिर नहीं है। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पर एग्जीबिशन लगेगी। अभी फिलहाल ये देख लो, यहाँ पर डेकोरेशन का पूरा काम चल रहा है, काफी सारे बंदे भी आए हुए हैं, और अगर काम ये पूरा डन हो जाता है तो कल के दिन बंदे यहाँ पर आएंगे खरीदने और सारा का सारा
सारा काम करने, बट अभी फिलहाल ये जगह तो मैंने पूरी देख ली। एक डायनासोर इधर है और एक डायनासोर उस साइड पर भी है, तो अभी जल्दी से चलकर देखता हूँ कि आखिरकार वो कौन सा डायनासोर है। बट हाँ यार, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है, बंदे ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर, जितने भी गार्ड है हर गेट पर खड़े हुए हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं। फिलहाल इसका नाम है इसका क्या नाम है, टायरानोसोरस रेक्स। ओके, तो डायनासोर के नाम काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं। बाकी यार ये सच्ची में है भी बहुत ज़्यादा बड़ा, इसकी पूरी की पूरी टेल देखो कहाँ तक जा रही है। अभी फिलहाल वहाँ पर एक गेट है, शायद से अपनी परमिशन नहीं है तो मैं वहाँ पर नहीं जाने वाला अभी फिलहाल, मेरे को नहीं पता कुछ क्या करना है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये ना एक इन्फॉर्मेशन का पॉइंट है, इससे बात करके मैं पता कर सकता हूँ कि वाला स्टैचू कहाँ पर है। बट ऐसे नहीं, पहले खुद ढूंढता हूँ, अगर नहीं मिलेगा तो उसके बाद मैं इससे पता करूँगा। अभी फिलहाल जल्दी से ना एक बार मैं ऊपर चल कर देखता हूँ, एक सीढ़ी ऊपर भी जा रही है और अपनी टीम का बंदा ऊपर गया हुआ है, तो सीधी सी बात है परमिशन होगी, यहाँ पर गार्ड्स कुछ नहीं कहेंगे। अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है ऊपर, वो चीज़ है या फिर नहीं है। बाकी यार एक सेकेंड, अभी ना नीचे मैंने ना साइड में कुछ रूम देखे थे, ये जो म्यूजियम है ना गाइस, कोई छोटा मोटा म्यूजियम नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा म्यूजियम है यार। तो यहाँ पर ये जो ओके, तो हाँ इसी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर अभी फिलहाल मैं अंदर तो आ चुका हूँ, काफ़ी सारे बॉक्स हैं बट इनको ढक रखा है, तो सीधी सी बात है ढक रखा है तो छुपाने के लिए ढका होगा, हम लोग इसे ओपन नहीं कर सकते। इधर वाले में चलता हूँ, यहाँ पर भी काफ़ी सारे बॉक्स से इन्हें भी ढक रखा है। शट यार, अब यार हमें ये कैसे पता चलेगा कि अपना स्टैचू किस वाले बॉक्स के अंदर है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये देखो अपने यहां पर जो टीम का बंदा है फुल एकदम डायनासोर के एकदम क्लोज जाके फोटो खींच रहा है। चलो इसको खींचने दो, एक बारी मैं ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देखता हूं, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पर काफी सारे स्टैचूज हैं, तो हो सकता है जो अपना स्टैचू है ना वो भी ऊपर ही हो। बट यार मेरे को ये डर है कि यहां से मैं चुरा के कैसे जाऊंगा यार, ये सिक्योरिटी गार्ड मुझे तुरंत ही देख लेंगे जैसे ही मैं उठाऊंगा। बाकी यार ये देखो सामने की तरफ में कितना ज्यादा तगड़ा स्टैचू है, ये सारे के सारे गाइस सारे एंशिएंट है, बहुत पुराने टाइम के है, इसलिए इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा होती है। बाकी सामने की तरफ में ये इसकी वैल्यू नहीं होगी भाई, ये देखो डैब कर रहा है, ये तो एकदम नॉर्मल स्टैचू है, आराम से फुल बंदा डैब कर रहा है, तो वैसे अच्छा था देखने में। बाकी यहां पर भी एक बॉक्स है, इसके अंदर पता नहीं क्या ही होगा। इधर भी एक गार्ड खड़ा हुआ है, ये स्टैचू है। ओके, तो ये तो एक पग का स्टैचू है जो कि काफी ज्यादा क्यूट सा लग रहा है, ये पता नहीं सिल्वर का है या फिर पता नहीं किस चीज का, बटन जो भी है सही है। और इस तरफ में गाइस ऐसे ना भी बहुत से स्टैचूज है जिन्हें कवर कर रखा है, खोल कर नहीं दिखा रखा, तो कोई नहीं। अभी यहाँ पर अपना स्टैचू कहाँ पर है यार, ये अपना गोल्डन टाइगर कहाँ मिलेगा, गोल्डन पैंथर तो यहाँ पर मेरे को नहीं मिल रहा। पूरी की पूरी जो जगह है ना पूरी एकदम अच्छे से इन्होंने कवर कर रखी है। सामने की तरफ में एक गार्ड और खड़ा हुआ है, ये तो कुछ नहीं कहेगा। बाकी ये देखो, ये वो एरिया है जहाँ से सारा सामान यहाँ पर अंदर आता है। ओके, तो वहाँ पर ऊपर से लॉक हो रखी है वो, ठीक है। अभी यहाँ पर सामान इनके अंदर आके रखना पड़ेगा जो कि ये लोग खुद करेंगे। इस तरफ में एक स्टैचू है, इतना तो पता चल रहा है कि ये हॉर्स है और उसके ऊपर एक बंदा बैठा हुआ है, बट पता नहीं यार अपना गोल्डन पैंथर भाई इधर नहीं मिल रहा, मेरे को नहीं समझ आ रहा वो कहां पर है। एक काम करता हूं, नीचे जो असिस्टेंट है ना उससे चल के बात करते हैं कि आखिरकार वो गोल्डन पैंथर यहां पर है या फिर नहीं है, शायद उसको हमसे ज्यादा पता होगा। अभी जल्दी से यहां पर मैं भाग कर आ चुका हूं, फटाफट से नीचे उतरते हैं, सीधा उससे बात करने चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। बाकी यार ये जो बंदा है ना, ये दो तीन बार ऊपर नीचे कर चुका है, मैं इसे कब से नोटिस कर रहा हूं। ओके, तो यहां पर देखो लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फ्लोर हिस्ट्री इजिप्ट। ओके, तो पता नहीं यार ऊपर जितने भी स्टैचू थे वो शायद से सारे के सारे इजिप्ट के थे। चलो कोई नहीं, अभी जल्दी से आगे चलता हूं, वो असिस्टेंट कहां पर चले। ओके, तो वो रही, अभी जल्दी से चलकर उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल यहां पर इससे बात हो गई है और गाइस यार ये कह रही है कि वो जो स्टैचू है ना वो सामने वाले रूम के अंदर है, बट तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। अभी फिलहाल देखो मेरे को भी पता है हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं होगी, क्योंकि वो इतना खतरनाक स्टैचू है, इतना ज्यादा महंगा है, तो ऐसे वो नॉर्मली तो मिलने नहीं वाला। बट सामने की तरफ में ना देखो एक ही गार्ड खड़ा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता अपने को ज्यादा दिक्कत आने वाली है। बट हाँ, दिक्कत की बात यह है कि अपने पास ना गाइस वेपन्स ही नहीं है। बट हाँ, मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, ऊपर की तरफ में जो गार्ड्स हैं, पहले ना एक काम करता हूं, मैं पहले कंफर्म कर लेता हूं कि अंदर वो है या फिर नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो लड़की है मेरे को पागल बना दे। तो ये जो बंदा है ना काफी देर से अंदर बाहर कर रहा है और अभी ये फिर से ऊपर से चलकर आया अंदर जाने के लिए, तो इसको अंदर जाने देते हैं। बाकी यार शिट, ये गेट खुला नहीं। चलो कोई नहीं, अभी थोड़ी देर ना यहीं पर खड़े होता हूं, ये वापस आएगा तो गेट दोबारा से खुलेगा और मेरे को अंदर का ना थोड़ा बहुत तो दिख जाएगा। बट ये जो गार्ड है ना मेरे ऊपर शक न करने लग जाए, मैं थोड़ा सा इधर देख लेता हूं ताकि इसको एकदम प्रॉपर मेरे ऊपर शक ना हो, इसको मैं कह दूंगा मैं साइड में देख रहा था। तो गाइस यार अभी ना फिलहाल यहां पर खड़े हुए थोड़ी बहुत देर होगी और वो जो बंदा है ना वहां से बाहर आ गया, और गाइस वो देखो अंदर की तरफ में कुछ तो है और अंदर ना दो तीन बॉडीगार्ड्स और खड़े हुए हैं, तो मेरे हिसाब से मेरा अंदर जाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। बट हाँ, अभी ना मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है। अब मैं क्या करूंगा, जो ऊपर की तरफ में गार्ड है ना, पहले उनको मार के ना उनका एक वेपन लूंगा, चाहे मेरे को AK-47 मिले चाहे पिस्टल ही मिल जाए, बट अभी ना ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में ना अपना जो है काम यहां पर खत्म हो जाएगा और हमें यहां से वापस भी जाना पड़ सकता है। तो जो गार्ड अकेला खड़ा हुआ है ना,
पहले उसको मारता हूँ, उसको मार के ना मैं उसका वेपन लूंगा, उसके बाद मैं सीधा इस जगह पर अंदर जाऊंगा और अंदर जाकर ना मतलब जो भी चीज है, मतलब वो स्टैचू है उसको चुरा कर वहां से निकल लूंगा। अभी फिलहाल वो देखो सामने की तरफ में ना एक गार्ड खड़ा हुआ है, मेरे को ना इस तक एक बार पहुंच जाना चुपचाप से, सीधा बेसबॉल बैट इसके मत्थे पे मारना है। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल जल्दी से मैं अपना बेसबॉल बैट बाहर निकाल लेता हूँ। अभी ना फिलहाल मेरे को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर मान लो मिस्टेक हो गई या फिर ये बंदा यहाँ से भाग जाए और हमें वेपन्स नहीं मिले तो सीधी सी बात है अपना खेल यहाँ पर सच्ची में खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है और अपने पास बिल्कुल भी वेपन नहीं है। फिलहाल सामने से वो लड़की यहीं पर आ रही है, तो इसलिए पहले ना थोड़ा बहुत एकदम नॉर्मल चलकर इसे दिखा देते हैं कि हमारे पास कोई भी नहीं है। पहले इसे जाने देते हैं, ये यहाँ से अपना चले जाएगी ना, उसके बाद एक काम करता हूँ, पहले ना इसके एकदम क्लोज चले जाता हूँ और ऐसे एक्टिंग करता हूँ कि जैसे मैं इस स्टैचू को देख रहा हूँ और जैसे इसका ध्यान हटेगा वैसे ही सीधा इसके मत्थे पर मारना है। तो ओके अभी फिलहाल एकदम काम अपना बढ़िया हो चुका है। एक मिनट रुक जाओगे, एक और भजा देता हूँ, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपने पास AK-47 आ चुकी है, बट दिक्कत की बात यह है कि इसके अंदर गाइस यार सिर्फ और सिर्फ 30 MO है, तो मुझे जो काम है ना गाइस काफी ज्यादा सोच समझ के करना पड़ेगा। अपनी AK-47 अंदर रख लेता हूं। ये जो लड़की अगर दूसरा राउंड मारेगी ना घूम के वापस से यहां पर आएगी तो उसे पता चल जाएगा इस बंदे को किसी ने मार दिया और ये सीधी सी बात है गार्ड्स को बता देगी। तो इसके यहां पर आने से पहले मुझे काम करना है, बाकी ये किस चीज के स्टैचू है भाई। ओके तो भी फिलहाल जल्दी से मैं आगे चलता हूं, मुझे नहीं मालूम वो किस चीज के स्टैचू है। अभी जल्दी से गाइस नीचे चलना है, 30 MO AK-47 की, और मुझे ना इन एमओ को लेकर उन स्टैचूज तक पहुंचना है। अगर एक बार मैं वहां पर पहुंच गया अपना काम हो जाएगा। बाकी ये देखो ये अपना घूमकर यहाँ पर आ चुकी है। तो स्टेयर्स कहाँ गई, एक सेकंड, अरे स्टेयर्स, ओके तो ठीक है वो स्टेयर्स, भाई मैं एकदम कंफ्यूज हो गया स्टेयर्स कहाँ चली गई। अभी जल्दी से मैं स्टेयर्स पे चलता हूँ, यही है वो सीढ़ियाँ जहाँ से मेरे को नीचे आना है। तो गाइस यार टाइम आ चुका अटैक करने का, क्योंकि बिना अटैक करे अपनी अंदर एंट्री होने ही नहीं वाली। सीधी सी बात है अगर मैं अंदर जाऊँगा तो ये लोग मेरे को मारने लग जाएंगे। एक काम करता हूँ, टाइम आ गया, फटाफट से अपनी AK-47 बाहर, और ये रहा वो गार्ड, तो निकल यहाँ से। चलो एक बंदे को यहाँ पर मैंने मारा, जल्दी से हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। सामने एक बंदा और था, ओ भाई साहब यहाँ पर तो इन्होंने रख रख के मेरे भजा दिया है। फिलहाल इस बंदे को भी मैं मार के यहाँ पर साइड करता हूँ। तो चलो अभी फिलहाल दोनों बंदों को मार दिया और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सीधा गोल्डन पैंथर तक। बट ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है, एक सेकंड यार, ये गेट तो पूरी तरह लॉक्ड हो रखे हैं। मेरे पास ज्यादा एमओ भी नहीं है, इनकी एमओ उठा लेता हूं पहले। गाइस इधर ना बहुत तगड़ी भगदड़ मच गई है, पहले बाहर के बंदे मारने पड़ेंगे। मुझे ना एक बॉम्ब चाहिए होगा ताकि मैं ये वाला गेट तोड़ पाऊं। ओके तो सामने काफी सारे बंदे हैं, वो देखो। रुक जाओ पहले ना यहां से बाहर निकलता हूं, क्योंकि अगर इन्होंने अंदर ग्रेनेड डाल दिया ना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाकी यहां पर इसको देखो कैसे भागने की पड़ेगी, निकल यहां से। ओ भाई 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 ये तू कब से मारने लग गया, एक मिनट रुको, निकल यहां से। तो चलो ये वैसे कोई ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी नहीं है, दूसरी कंट्री से आई है, इनको पता नहीं है यहां पर लॉस सैंटोस में कितने बड़े बड़े गैंगस्टर बैठे हैं। तो ओके इनको मैंने मार दिया, बाकी बंदे परेशान हो गए, तुम टेंशन मत करो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, पिटेंगे तो यही सारे पिटेंगे। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल इन लोगों ने ना सामने से मेरे ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया है, बट अभी ना मेरे पास एक बहुत ही तगड़ा तरीका है। मुझे मालूम है मैं इस तरीके से निशाना नहीं लगा पाऊंगा, बट यार कुछ ना कुछ तो करके मेरे को इन्हें डाउन करना ही पड़ेगा। बट हाँ मेरे को मेन चीज ध्यान रखना है अपनी एमओ का। इस टाइम पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 MO बचे हैं, टोटल 37 MO है। ओके तो वो जो बंदा है पहले उसको मारता हूँ। एक काम करता हूँ वहां पर ना क्लोज में जाके उसकी AK-47 ड्रॉप हुई होगी, तो सीधी सी बात है उसकी मैगजीन्स जो है वो मेरे को मिल जाएगी। तो एक सेकंड यार यहाँ पर एक बंदा है मेरे बाहर निकलती, वो मेरे को बचा सकता है, निकल यहाँ से। तो गाइस यार इस टाइम पर ये लोग तो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ चुके हैं मेरे ऊपर, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी ना एक एक करके मैं इनका मुंह तो तोड़ ही डालूंगा, क्योंकि मेरे को जो पीछे बंदे मारे थे ना इनकी तरफ से एमओ तो मिल गई है। अभी जल्दी से यहाँ पर जो जो इनकी एमओ ड्रॉप हुई है सबको उठाता हूँ, तेरी ऐसी जैसी मेरे को मारेगा, निकल। और रीलोड उठाई एक, ये रीलोड मरवाएगी मेरे को। अभी जल्दी से यहाँ पर पहले अंदर चलना पड़ेगा। AK-47 की जितनी एमओ उठा रहा हूँ उतनी ही खत्म हो जा रही है, तो वही मैं सोचूं मार कौन रहा है, ये पीछे छुप कर बैठे हुए हैं भाई साहब जी, और ऊपर की तरफ में भी कुछ बंदे हैं जो कि स्नाइपर मारने जा रहे थे मेरे। तो चलो निकलो यहाँ से, अभी मेरे को बाहर निकलना चाहिए या फिर नहीं निकलना चाहिए। तो चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर इन सबको मारते हैं। बाकी ये रास्ता कहाँ पर जा रहा है यार, एक सेकंड। ओके तो चलो गाइस फाइनली बाहर निकलने का भी जुगाड़ हो गया। तो ये जो एक्सिट है ना ये सीधा नीचे वाली पार्किंग से निकल जाएगी, बट हाँ उस वाले गेट पर भी सिक्योरिटी गार्ड थे। पर हाँ ये सही बात है कि फ्रंट गेट से तो ज्यादा ही बढ़िया है, पहले इनको मारता हूँ यहाँ पर तभी कुछ होगा। तो चलो अभी ऊपर वाले बंदों को भी मैंने मार दिया है। अभी एक सेकंड यार यहाँ पर कोई तो चला रहा है गोली, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा। तो चलो गाइस यार फाइनली इतनी ज्यादा गोलियां चलने के बाद ये जो मामला है ठंडा पड़ चुका है। अभी ना गाइस जल्दी से यहाँ पर मैं अंदर चलने की कोशिश करता हूँ, और इतने ज्यादा गार्ड्स मारे हैं बट ना यार किसी के पास भी यहाँ पर मतलब कोई भी बॉम्ब नहीं था। एक ग्रेनेड भी मिल जाएगा ना तो शायद से उस वाले गेट को मैं तोड़कर खोल पाऊंगा। बाकी ये देखो सामने को, ओ तेरी भाई सब ऊपर तो काफी सारे बंदे हैं, सही टाइम पर मैंने जंप लगा दी। ओके तो ज्यादा बंदे नहीं है, यही भाई साहब यहाँ पर छुपकर बैठे हुए हैं, AK-47 बजा रहे थे मेरे। चलो ठीक है इसको भी मैंने मार दिया,
यहाँ पर अच्छे से गोलियां बजा देता हूँ जितने भी। ओ तेरी भाई साहब रुक जाओ, एक सेकंड रुक, एक ही पड़ेगी निकल यहाँ से, सीधा हेड पे ही दिया इसके। अभी फटाफट से और आगे चलता हूँ, सामने की तरफ में कुछ बंदे हैं, एक मिनट रुको, पहले यहाँ पर आराम से बैठता हूँ, पहले देख लेता हूँ कितने हैं, क्योंकि जल्दबाजी में फाइट लेना ना बेकार ही होता है। तो इसको भी मैंने मार दिया, बाकी इसके पास से भी मेरे को यहाँ पर काफ़ी सारी AK-47 की एमो मिल गई है, क्योंकि मुझे पता नहीं है बाहर अभी कितने गार्ड्स होने वाले हैं, तो इसलिए जितनी एमो मिल रही है उतनी बेटर है। तो यहाँ पर जितने बंदे भी मैंने मारे थे ना, सबकी AK-47 मैंने उठा लिया है। और अभी गाइस देखो मेरे पास ना यहाँ पर 5 स्टिकी बॉम्ब्स भी मिल चुके हैं, शायद से इनमें से किसी के पास ये बॉम्ब रहे होंगे। तो चलो अभी फिलहाल एमो भी ठीक ठाक हो गया है, बॉम्ब भी ठीक ठाक हो गए हैं, अभी जल्दी से ना ये तो ज़्यादा ऊंची जगह, यहाँ से जंप नहीं मार सकते, उस साइड से तो नहीं पा रहा, इस साइड से मैं जरूर जंप मार पाऊंगा। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ पर जंप मारते हैं सीधा नीचे की तरफ में। बाकी यार काफ़ी सारे बंदों की ना चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, तुम लोग टेंशन मत करो भाई, तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया हूँ। तो चलो अभी जल्दी से एक बार हम लोग यहाँ पर अंदर चलते हैं। यही है वो वाला गेट जिसके अंदर वो स्टैचू पड़ा हुआ है, बट मेरे को ना डर इस बात का लग रहा है कि मान लो मैं यहाँ पर बॉम्ब लगा दूँ और ब्लास्ट करने पर ये जो अपने स्टैचू ये टूट जाए, वैसे ऐसे नहीं टूटने वाले, बॉम्ब थोड़ा सा ना गाइस मैं दूर लगाऊंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने बॉम्ब लगा दिया है, जल्दी से ना बाहर चलता हूँ, देखते हैं क्या होता है ब्लास्ट करने पर। यहीं खड़े होकर मैं ब्लास्ट कर देता हूँ, इतना ज़्यादा तो अपने को असर नहीं पड़ेगा इसका। ओके तो यहाँ पर मैंने ब्लास्ट कर दिया है, और देखो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर एक साइड का जो गेट वहीं का वहीं रह गया, बट ये जो जगह है ना ये पूरी की पूरी टूट चुकी है, और शायद से अभी ना गाइस यहाँ पर मैं अंदर भी जा पाऊंगा। तो ओके गाइस फाइनली यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ, बट एक सेकेंड ये कुछ अलग चीज़ है गाइस, यहाँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको उठाऊंगा ना तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये वैसे पता नहीं डिज़ाइन है या फिर क्या चीज़ है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसे निकालूँ और पूरी जगह से आगे निकल जाए। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ पर इसमें बुलेट मार के देखता हूँ, अगर कुछ होगा तो सीधी सी बात है ये कोई मैकेनिकल चीज़ है, वरना ये एक ऐसे डिज़ाइन लग रहा है मेरे को। तो चलो अभी जल्दी से स्टैचू को उठाते हैं। तो चलो गाइस सर अभी ना फिलहाल यहाँ पर दोनों स्टैचूज को उठाकर मैंने अपने बैग में डाल दिया है, जल्दी से ना गाइस सर इस जगह पर ना एक प्यारा सा बॉम्ब भी लगा देते हैं, ताकि जाते जाते पता चल जाए कि माइकल आया था। अभी जल्दी से हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं और फटाफट से मार देते हैं यहाँ पर एक और ब्लास्ट। तो अभी जल्दी से अपनी गन भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ से ना बाहर निकलते काफ़ी सारे गार्ड्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे, बाकी सामने की तरफ में भी आ रखे थे। एक सेकंड रुक जाओ गाइस, अभी ना यहाँ पर इन लोगों ने अंदर आना भी शुरू कर दिया है, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। अभी अगर मेरे एक भी गोली लगेगी ना तो सीधी सी बात है बहुत ज़्यादा चांसेस है मैं डाउन हो सकता हूँ, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा सोच समझ के फाइट लेनी है, मतलब ऐसे फाइट लेनी है कि मेरे एक भी बुलेट नहीं लगनी चाहिए। तो सामने की तरफ में जितने भी बंदे हैं ना मैं ऐसे लड़ूंगा कि बस कवर से मेरे को निकलने की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि अगर मैं कवर से ही नहीं निकलूंगा तो सीधी सी बात है मेरे बुलेट लगेगी ही नहीं। अभी जल्दी से यहाँ पर भाग कर कवर लेता हूँ, अगर इस वाले गेट से बाहर निकलूंगा तो सीधी सी बात है सारा काम खराब हो जाएगा। वाले जो गेट है मैंने ओपन कर लिए हैं, अब बस जो इनका पार्किंग वाला डोर है ना बस वो ओपन हो जाए, वैसे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। मेरे पास ना गाइस यार इस टाइम पर बॉम्ब तो है, मैं कोई भी गेट जो है उसे तोड़ सकता हूँ अगर वो बुलेट प्रूफ ना हो तो। बाकी एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, यहाँ पर एक बंदा था, ओके तो सही टाइम पर मैंने उसे मार दिया। बाकी इसके अंदर करंट आ रहा है भाई, ये इससे चिपका और बहुत ही बुरी तरह ये करंट खाकर मरा है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। ओके तो इस तरफ में कुछ बंदे, ओ नहीं 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 नहीं, आराम से रीलोड कर लो, रीलोड कर लो, ठीक है एक और बार चलाओ, बहुत सही, अब तुम्हारी ऐसी तैसी करता हूँ, निकलो यहाँ से। ओके तो एक और बंदे को मैंने मार दिया, बाकी एक बुलेट मेरे लग गई। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल अपनी हेल्थ पहले रिफिल होने दो, मैं थोड़ा सा फॉल बैक कर लेता हूँ, वरना गाइस काम यहाँ पर खराब हो सकता है। रुक जाओ, अगर ये जो स्टिकी बॉम्ब है इसको मैं यहाँ पर ऐसे डाल देता हूँ सामने वाली वॉल पे, ये कहाँ गया, अरे अच्छा ये यहीं पर गिर गया, वाह मैं इसे कहाँ डालना चाह रहा था और ये यहीं पर गिर गया। और अगर अभी बाहर वाले गेट लॉक हुए ना तो अपना काम खराब हो सकता है। रुक जाओ पहले यहाँ पर मैं कवर ले लेता हूँ, ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे यार, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। तो पहले तो ना मैं इसको मारता हूँ, ये कुछ ज़्यादा उछल रहा है, इसको मैंने मार दिया, उसको कहाँ देख रहा है, मैंने उसको मार दिया, ये अपने साथी को देख रहा है कहाँ गया, तू क्यों नहीं लड़ रहा मेरे से। तो चलो अभी फिलहाल यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया है। तो भाई साहब जी ये स्टैचू हम लोग डायमंड कैसीनो से चुरा कर ले आए, तो ये 2 crore का म्यूजियम क्या चीज़ है। अभी फिलहाल यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना भले ही दूसरी कंट्री की हो, बट यहाँ पर ये लोग माइकल को नहीं जानते। अभी फिलहाल जैसे ही मारूंगा सीधा यहाँ पर अंदर हो जाऊंगा, निकल यहाँ से। ओके वो बंदा कुछ ज़्यादा गुस्से में आ गया, निकल यहाँ से, तू भी निकल, चल। चलो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर तीनों को मार के मैं यहाँ पर डाउन कर दिया है। बाकी ये जो गेट है ये शायद से पता नहीं अलग ही चीज़ है, पता नहीं पूरी की पूरी बुलेट प्रूफ बना रखे हैं वाले गेट। तो अपने को तो इस वाले गेट से बाहर निकलना है, जल्दी से गाइस हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल यहाँ पर मैं म्यूजियम से बाहर आ चुका हूँ, लेकिन गाइस अभी ना फिलहाल बहुत ही ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई है ऑफिसर, मैं फायर नहीं करूंगा क्योंकि इस टाइम पर ये पूरी की पूरी सिचुएशन खराब हो गई है। यहाँ पर अगर मैंने फायर करा तो सबका एम मेरे ऊपर है, सारा काम एकदम खराब हो जाएगा, लेकिन तुम्हारी ऐसी की तैसी मेरे को मारोगे। अभी फिलहाल ना यहाँ पर इन लोग का तो मैं मुंह तोड़ के जाने वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जितने भी ऑफिसर है ना सारे मेरे से बहुत ही बुरी तरह मरेंगे। यहाँ पर गाइस काफी सारे यहाँ पर बैठे हुए थे, अभी एक तो एक गाड़ी भी पूरी पूरी लॉक हो रखी है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी जल्दी से ना गाइस एक बार भाग कर मैं यहाँ पर चलता हूँ, इनकी गाड़ी में बैठ कर ना गाइस अभी मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, निकलो यहाँ से तुम्हारी ऐसी की तैसी। भाई पूरा का पूरा कवर कर बैठे हुए थे,
अगर ये ज्यादा गोली मार देंगे ना तो अपनी गाड़ी भी ब्लास्ट हो सकती है। एक मिनट रुक जाओ, पहले ना इन लोग को दिखाता हूँ कि मैं यहाँ से आगे चला गया, बट मैं ना एक काम करूंगा, एकदम शॉर्टकट लेके ना अलग ही रास्ते से जाने वाला हूँ ताकि ये लोग मेरा ज्यादा देर तक पीछा ना कर पाए। बाकी अभी ना फिलहाल थोड़ी सी भी और बुलेट मेरे पड़ गई होती ना तो अपनी जो शील्ड है वो टूट जाती और अपना सारा काम खराब हो जाता। अभी मैं किस लिए हॉर्न बजा रहा हूँ ये गाड़ी का, इसको बंद करो, पुलिस को पता चलते रहेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। बाकी पीछे की तरफ में एक टनल थी, उससे मैं दूर आ गया यार की ऐसे की तैसे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल इस वाले रास्ते से हम लोग यहाँ पर आगे जाते हैं। इस टाइम ना गाइस पुलिस को मेरे को जल्दी से जल्दी पूरा कंफ्यूज करना पड़ेगा। भाई मुझे पता था बाहर पुलिस मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं पहले से ही पूरा रेडी था क्योंकि यार ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है। अभी तो फिलहाल किसी ना किसी पुलिस ऑफिसर को तो पता ही नहीं है, वरना यहाँ पर मिलिट्री पहुंचने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक काम करता हूँ, पीछे की तरफ में ना एक गली है, इस गली में चलकर बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरे हिसाब से मामला यहाँ पर थोड़ी देर तक तो शांत रहेगा। ओके, तो मामला धीरे धीरे शांत पड़ने लग गया इतनी जल्दी। भाई चलो अभी फिलहाल यहाँ पर अपनी गाड़ी में लेकर आ चुका हूँ, अंदर ले जाऊंगा तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ऊपर चले जाऊंगा वो जगह मेरे को थोड़ी बहुत सही लग रही है, बट ये जो मेरे को जाली है ना ये तोड़नी पड़ेगी। और गाइस यहाँ तो हेलीकॉप्टर आ गया, ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो गाइस सही टाइम पर मैं अपनी गाड़ी में आकर बैठ गया। पुलिस वालों ने ओके, तो मैं पुलिस वालों की गाड़ी में हूँ तो सीधी सी बात है इनके पास मेरे हमेशा इनकी लोकेशन रहेगी अपनी गाड़ी की, तो मुझे ना पहले अपनी गाड़ी बदलनी पड़ेगी। पीछे से भी यहाँ पर ये लोग आ गए हैं, सामने से भी एक पुलिस वाला आ गया निकल यहाँ से मेरे। ओ भाई साहब यहाँ पर तो यार इन लोगों ने मेरे को पूरा घेर लिया है। एक मिनट रुक जाओ, एक रास्ता तो अपने लिए हमेशा बचता ही है, तो जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से मैं बाहर निकालता हूँ। मुझे कहाँ पर जाना चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हाँ लेस्टर का सीक्रेट बेस है, बट अगर मैं वहाँ पर चला गया और पुलिस वालों ने जाते हुए मेरे को देख लिया ना तो सारा काम खराब हो जाएगा। मुझे पतली से पतली गली ढूंढनी पड़ेगी ताकि ये जो पुलिस वाले हैं ना ये मेरे को ढूंढ ही ना पाए और वहाँ पर आ ही ना पाए। तो ओके गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो बिना फिलहाल मैं अपनी कार को लेकर उस जगह से ना एकदम अलग ही रास्ते पर आ गया हूँ और फाइनली यहाँ पर मेरे को फ्रैंकलिन की ना आंटी का घर दिख गया है। बट पुलिस तो यार इधर ऑलरेडी पहुंची हुई है और इसमें से यही वाला घर था फ्रैंकलिन की आंटी का। अभी जल्दी से ना गाइस यार अपनी गाड़ी में यहीं पर खड़े करता हूँ, अंदर चलता हूँ, देखता हूँ क्या पता हमें थोड़े बहुत वेपन्स वगैरह मिल जाए, थोड़ा बढ़िया रहेगा। पीछे वाला गेट भी यहाँ पर लॉक हो रखा है, इधर थोड़ी देर छुपता हूँ, अगर पुलिस वाले अंदर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे ना तो पीछे वाले गेट से मैं अपना बाहर निकल लूंगा। बट यार ऐसे वैसे तो मैं नहीं, मुझे मालूम था तू अंदर आएगा, निकल यहाँ से। गाइस यही एक घर है जहाँ पर मैं थोड़ा बहुत बच सकता हूँ। यार ये फ्रैंकलिन ने अपना घर कैसा बना रहा, ओ तेरी भाई साहब ये तो शॉटगन ही बचा देता मेरे। ओके बंदे यहाँ पर आ गए हैं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो चुकी है, हर एक पुलिस ऑफिसर को पता चल चुका है कि मैं यहीं पर छुपकर बैठा हुआ हूँ और ये सारे के सारे ना यहाँ पर सीधा अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास अभी फिलहाल यहाँ पर 130 एमओ और है, तो चलो कोई नहीं, अभी पहले तो ना इन सबके बचाऊंगा। मुझे ना एक बढ़िया सी गाड़ी को जुगाड़ करना है क्योंकि अगर ये पुलिस वालों की गाड़ी में घूमते रहूंगा ना तो ओ तेरी भाई यहाँ तो स्वैट भी आ गई। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मेरे साथ आज फ्रैंकलिन ट्रेवर में से कोई भी नहीं है तो ये स्वैट तो ना आए कम से कम। फिलहाल यहाँ पर थोड़ी देर छुपता हूँ, मुझे ना गाइस जल्दी से जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लग रहा था इसके घर का जो पीछे वाला गेट है एटलीस्ट वो तो खुला होगा, बाकी यार यहाँ पर वो वाला गेट भी बंद है। अभी गाइस जल्दी से ना इनको मारता हूँ और फटाफट से गाइस यार यहाँ से निकलते हैं। ओके ये एक विंडो भी नहीं खुलेगी। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल यहाँ पर इन पुलिस ऑफिसर्स ने मेरे को बहुत ही बुरी तरह फंसा लिया है। मेरे पास अभी ना गाइस कोई भी ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के अलावा, और इस टाइम तो यार इन लोगों ने ना घर के अंदर नोवा गैस भी फेंकना स्टार्ट कर दिया है। मतलब यार इस गैस से क्या होगा, पूरे के पूरे में धुआं हो जाएगा और मैं बेहोश हो जाऊंगा और ये लोग मेरे को अरेस्ट कर ले जाएंगे। बट यार ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, काफी ज्यादा छोटा घर है, मैंने सबसे बड़ी गलती करी यार इस घर के अंदर घुस के। मुझे लग रहा था ना कि मैं यहाँ से अंदर एंटर होऊंगा इन लोग को पता नहीं चलेगा, अगर पता भी चल जाएगा तो मैं पीछे वाले गेट से निकल लूंगा, बट अपनी किस्मत इतनी खराब थी कि पीछे वाला गेट ही लॉक है। और ये लोग कितने गधे हैं, खुद ही वहां पर स्मोक डालकर खुद ही गैस डालकर वहीं पर आकर खड़े हो रहे हैं। बस अभी ना फिलहाल रिस्क लेना पड़ेगा, एक M249 होती ना अपना काम हो जाता। अभी जितने बंदे थे ना गाइस इनको मैंने मार दिया है, जल्दी से ना यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल बाहर की तरफ में जितने भी बंदे नजर आ रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर मैं इनको मार देता हूँ और ज्यादा बुलेट नहीं यूज करूंगा ताकि मेरे को रीलोड ना लगानी पड़े। तो चलो अभी फिलहाल बस इसके पीछे एक बंदा बचा हुआ है, अभी ना गाइस जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं सीधा पीछे वाली साइड पर, यही जगह ज्यादा बढ़िया रहेगी। अभी फटाफट से यहाँ पर मैंने जंप मार दिया है, ऊपर से जो हेलीकॉप्टर वाला है ना ये कुछ ज्यादा उछल रहा है, ऐसे की तरह से निकल यहाँ से इसको लेकर। ओके तो उसके मैंने रख रख के बजाई है बट कोई फर्क नहीं पड़ा, फटाफट से यार यहाँ से भागना पड़ेगा, काश ये गाड़ी हो। तो चलो फाइनली यहाँ पर एक गाड़ी मिल चुकी है बट ये वाली नहीं लूंगा मैं, अभी जल्दी से वाली गाड़ी लेकर निकलता हूँ सीधा लेस्टर के सीक्रेट बेस पर। अभी अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, प्लीज यार जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। ओके तो काफी सारे बंदे यहाँ पर आ गए, आ जाओ सब, आ जाओ सबको लाइन से मारूंगा। ओके तो फाइनली अब जाकर हमें एकदम बढ़िया जगह मिल चुकी है यहाँ से भागने के लिए। कितनी ज्यादा घटिया कार है यार ये, शिट
ओके तो यहाँ पर अभी कहाँ जाना चाहिए, इधर एक स्टोर है, इसके अंदर तो नहीं जाऊँगा अभी ना गाइस, जल्दी से इस गाड़ी को भगाते हैं शहर से बाहर। तो गाइस यार जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो गाड़ी है ना यार सच्ची में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। और गाइस यार अभी ना फिलहाल मेरे दिमाग में ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आइडिया आया है। आप लोग को पता होगा इस टाइम ना फ्रैंकलिन जो है लॉस गैंग के बंदों के साथ कुछ ज़्यादा ही घूम रहा है, तो मेरे दिमाग में ये आइडिया है क्यों ना हम लोग ना अपनी गाड़ी लेकर सीधा फ्रैंकलिन के घर के अंदर ही घुस जाते हैं। इससे क्या होगा, जितने भी पुलिस वाले ना वहाँ पर अटैक करेंगे वो लॉस्ट गैंग के बंदों को लगेगा कि ये लोग अपने ऊपर अटैक करने आए हैं। तो सीधी सी बात है फ्रैंकलिन और लॉस गैंग के बंदे, बेलास गैंग, ग्रीन गैंग, जितने भी बंदे हैं ये सारे के सारे पुलिस वालों से लड़ने लग जाएंगे और मैं अपना बच जाऊंगा और पीछे एकदम ना रास्ता देखते ही मैं अपना चुपचाप से निकल लूंगा। तो ये काम काफी ज्यादा बढ़िया सोचा है मैंने। अभी जल्दी से बस मेरे को एकदम चुपचाप से फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचना है। ओके 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 ओके, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अभी फिलहाल जल्दी से अपनी गाड़ी में यहाँ से मोड़ता हूँ, फटाफट से लेकर चलते हैं इसे फ्रैंकलिन के घर पे। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर सीधा फ्रैंकलिन के घर पर पहुंचने वाला हूँ। बस यार ये जो लॉस्ट गैंग के बंदे हैं ना, काश अभी भी फ्रैंकलिन के घर पर ही हो, क्योंकि अगर ये लोग यहाँ पर होंगे ना तो सीधी सी बात है मैं बच जाऊंगा, क्योंकि ये लोग लड़ने लग जाएंगे पुलिस वालों से, अपना काम यहाँ पर आसान हो जाएगा। अभी गाइस यार जल्दी से ना अपनी गाड़ी यहाँ पर मैं यहीं खड़ी करता हूँ, बाकी पुलिस वाले आ तो गए हैं सामने से। एक काम करता हूँ, इसके घर के अंदर चलते हैं सीधा नीचे वाले फ्लोर पर, अगर इन लोगों ने मेरे को देख लेना तो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। बाकी ये लोग सामने वाले रूम में ही तो पार्टी कर रहे थे। एक काम करता हूँ, इधर बाथरूम है इसी के अंदर मैं अपना छुप के बैठ जाता हूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये वाला गेट यहाँ पर खोल देते हैं। बाकी यार ये बंदे पे बंदे मारे जा रहे हैं, क्या बात हो गई है। ओके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलिस वालों की किसी ना किसी से तो फाइट हुई है। बाकी यहाँ पर कोई उतर कर आ रहा है। तो गाइस यार देखो बिना फिलहाल मुझे पता है क्या लग रहा है कि ऊपर की तरफ में से ना काफ़ी सारे कॉप्स यहाँ पर फ्रैंकलिन के घर के अंदर आ चुके हैं और इस टाइम पर ना जो फ्रैंकलिन, ओके तो यहाँ पर ये देखो सारे के सारे ना भाग कर इस टाइम पर ऊपर जा रहे हैं। इन सभी की लड़ाई बहुत खतरनाक हो चुकी है और अभी ना फिलहाल मैं छुप के रहता हूँ ताकि इन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये लड़ाई मेरी वजह से हुई है। तो अभी फिलहाल ये भाग कर ऊपर वाले फ्लोर पर जा चुके हैं। अभी गाइस मैं यहां से पीछे की तरफ में, ओके तो यहां पर ये बंदा नीचे आ रहा था। ओह मेरे को मत देख लो भाई, अगर इसने मेरे को देख लिया ना तो गाइस लॉस्ट गैंग के लिए मैं दुश्मन ही हूं, भले ही फ्रैंकलिन उनका दोस्त है। एक बार ये गेट ओपन करता हूं तो गाइस अभी ना जल्दी से यहां से भागकर एक बारी मैं निकल लेता हूं। भाई इन्होंने तो काफी सारे बंदों को यहां पर मार दिया है, ये जगह काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी। ओके तो बाहर की तरफ में भी कुछ पुलिस ऑफिसर है, इन्होंने मेरे को घर के अंदर देख लिया है। एकदम छुप जाता हूं, ये लॉस्ट गैंग के बंदे पूरा हैंडल कर लेंगे। तो यार लेकिन इस वाले रूम के अंदर ये भी आ सकते हैं, मुझे ना गाइस इससे बढ़िया बाथरूम में ही छुपे रहना चाहिए, वो ज्यादा बढ़िया है। तो गाइस ये जो मेरा प्लान था ना काफी ज्यादा सही था, बट मुझे नहीं पता यहाँ पर कब तक पुलिस आने वाली है, ये काम कब तक चलेगा। बट हाँ लॉस्ट गैंग के अंदर आएंगे बंदे तो मैं उनका मुंह तोड़ दूंगा। तो चलो गाइस यार आज के इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाकर लाइक कर देना। इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 8 लाख लाइक के लिए, तो सभी लोग जाओ जल्दी से लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दो। हाँ यार जो भी चैनल बने हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।